नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं विकास सिंह, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओशियन के बारे में, महासागर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं ओशियन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात कर लिया है ज्योग्राफी के, ठीक है। हम आज ओशियन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि ओशियन कितने हैं, पांच। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ये पांच महासागर हमें बचपन से ही सिखाया गया है, जो कि हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, पांच महासागर, ठीक है। और हम एक एक महासागर के बारे में आपसे बात करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। ये बात आप लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन है। हाँ, कुछ महासागर के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर ले यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि महासागर के गहराई को मापने का जो यंत्र है उसको सोनार कहते हैं। महासागर के गहराई को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सोनार, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ही पूछा है। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्रस्ट का थिकनेस कितना होता है? तो क्रस्ट का थिकनेस 5 से 10 किलोमीटर होता है। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा किसके क्रस्ट का? ओशियनिक क्रस्ट का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओशियनिक क्रस्ट का। अच्छा, ठीक है। ये बात हमने आपको जब क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बता रहे थे, तो उस समय हमने आपको बताया था क्रस्ट मेंटल कोर, उसको आप देख लीजिएगा। वहां पे हमने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके का एक फिगर बनाया था, और जहां हमने आपको कहा था कि देखो ये ओशियन है और ये ओशियन की क्रस्ट की मोटाई है, और ये किसका है? लैंड का, यानी कि जमीन, कॉन्टिनेंट के क्रस्ट की मोटाई है, थिकनेस है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट और ये ओशियन, और ये मैंने कहा था कि देखो ये कितना कम है और ये कितना बड़ा है। तो इस पॉइंट को मैंने कहा था, उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कह दिया है कि ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो सबसे कम होती है 5 से 10 किलोमीटर। अब आप वहां पर मैंने शायद 5 किलोमीटर आपको बताया होगा, तो 5 से 10 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, 5 से 10 किलोमीटर का मतलब कि कहीं पे ओशियनिक में जो अंदर में स्ट्रक्चर है, कहीं ओशियन का रिज है, कहीं पे ओशियनिक क्या बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन है ओशियन के अंदर में, कहीं पे ओशियन के अंदर में आइलैंड्स है, तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो इस रेंज के लिए 5 से 10 किलोमीटर की यहाँ पे बात की गई है, 5 to 10। हम ओशियन का एक पूरा का पूरा फिगर बनाकर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये क्या पॉइंट कह रहे हैं हम, ठीक है। और एलिमेंट्स फाउंड इन सिल्का एंड मैग्नेशियम, तो देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ करके पॉइंट लिखा है ओशियनिक क्रस्ट पे, एलिमेंट फाउंड इन ओशियनिक क्रस्ट, ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पे मुझे जानबूझ करके ये लिखना पड़ा है, क्योंकि आपके कॉमन सेंस पे मुझे थोड़ा सा कम भरोसा रहता है। किस वजह से बताते हैं? क्योंकि मैंने क्रस्ट के जो एलिमेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया था, जब हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बता रहे थे, तो उस समय मैंने आपको क्रस्ट के एलिमेंट बताया था, सीमा, सियाल, सीमा, नीफे, ये बात हमने आपको बताया था, और यही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पे हो गई। अब मैं आपको एक ओशियन का स्ट्रक्चर बता के बताता हूँ, और फिर मैं उसमें कुछ बातें करूंगा, फिर हम एक एक ओशियन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओशियनिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ओशियनिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि मान के चलो ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इसको ऐसे किए, फील्ड स्लोप किए, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाता हूँ मैं, ये यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाता हूँ मैं, ऐसे चलते हुए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट हो जाता है, फिर ये, ठीक है, ये रिज एरिया है, ये ओशियनिक क्रस्ट का कुछ, ओशियन के अंदर का कुछ बनावट है। अब ये बनावट कैसा है वो अगर देखना चाहे तो कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं ये ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ब्लू कलर ले लिया हूं, तो मैं पानी के कलर को लेने की कोशिश किया हूं आपके साथ, ठीक है। ये वाटर है और ये यहां पे ओशियन के अंदर का ये स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर आपको ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरा कलर ले लूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे नाम डालते हैं, नाम लिखते हैं एक एक पॉइंट का। देखिए
ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये क्या है कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और ये क्या है सी है, सागर है, ये सी है सागर है। तो कॉन्टिनेंट और महाद्वीप के बीच में ऐसा एरिया, कॉन्टिनेंट और महाद्वीप का ऐसा एरिया जहां पे सॉरी कॉन्टिनेंट और महासागर यानी कि सी का या ओशियन का ऐसा एरिया जो लगता हो एक दूसरे से, उस एरिया को कहता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और ये एरिया कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ यानी कि एक ऐसा एरिया जो सागर के यानी कि समुद्र को कॉन्टिनेंट से जोड़ती है वो एरिया, तो वो ये एरिया है। देखो यहाँ कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ये सागर है, ये समुद्र को जोड़ती है, तो ये क्या हो गया कॉन्टिनेंटल सेल्फ। बड़ा ध्यान से देखना पॉइंट को, बहुत ध्यान से, ये क्या है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद आता है ओशियनिक स्लोप। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर दूं क्योंकि दूसरा कलर आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। ओशियनिक स्लोप, ये है ओशियनिक स्लोप और ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ और ये है ओशियनिक स्लोप, ठीक है। अब ये यहां पे जो यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है या यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, इसको भी कर दूं, ये है ओशियनिक प्लेन। ओशियनिक प्लेन यानी कि समुद्र के अंदर का जो क्या बोलते हैं प्लेन है, मैदान है, ओशियनिक मैदान, समुद्री मैदान है ये। और आपको हम बता दें यहाँ पे पॉइंट कि पूरे ओशियन के जितने भी बनावट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उस सारे बनावट में सबसे बड़ा बनावट, सबसे बड़ी जो स्थलाकृति होती है वो ओशियनिक प्लेन की होती है। तो अगर परसेंटेज में आपसे पूछ दे कभी कि सबसे बड़ी स्थलाकृति किसकी होती है, तो ओशियनिक प्लेन की होती है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत वीवीआई है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओशियन और कॉन्टिनेंट, ओशियन का जुड़ा हुआ ऐसा क्षेत्र जो कॉन्टिनेंट से लगे उसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं ओशियनिक एरिया का। और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है और ये जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये मैदान है, ओशियनिक मैदान, जो कि ओशियन का सबसे बड़ा भाग है, ओशियन का सबसे बड़ा परसेंटेज ओशियनिक मैदान ही है। पॉइंट को अगला इसको बोलते हैं ग्यूयोट। ग्यूयोट ये अगर आपको देख रहा होगा तो एक तरीके का थोड़ा सा पठार टाइप का लगता है, जिसका ऊपरी भाग चपटा हो उसको ग्यूयोट बोलते हैं, ग्यूयोट। और ये क्वेश्चन आपको हायर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं, एसएससी से ऊपर के एग्जामिनेशन को ग्यूयोट क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे तो आप देख लीजिएगा, इस तरह का एक स्थल जो कि ऊपर उठने के बाद थोड़ा सा फ्लैट हो वो क्या कहलाएगा, ग्यूयोट कहलाएगा। ग्यूयोट ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा मैप बता रहा हूं आपको, बस इसी से समझना है, लिखाऊंगा मैं कुछ नहीं, सिर्फ मैं समझिए कितना अच्छा मैप मैंने बनाया है यहां पर, मेरी कलाकारी का धन्यवाद कीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर देखिएगा, ये यहां पर जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच। यहां पर लिखे तो मैं ट्रेंच, और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दो ट्रेंच का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने अपने आज के नोट्स में उसको डाला भी है, दैट इज मैरियाना ट्रेंच, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसिफिक ओशियन में, मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन है, एनी ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है लेकिन डीपेस्ट पार्ट ऑफ एनी ओशियन है मैरियाना ट्रेंच। आपको हम बता दें कि 11,033 मीटर गहरा है, 11,033 मीटर उसकी डेप्थ है मैरियाना ट्रेंच का। तो ये एक ओशियन का पार्ट है जिसको ट्रेंच बोलते हैं। आप अगर हिंद महासागर की बात करें इंडियन ओशियन का, तो वहां पर भी एक ट्रेंच आपको मिलेगा, दैट इज सुंडा ट्रेंच, जो कि इंडोनेशिया के पास सुमात्रा द्वीप है वहां पर पाया जाएगा, इंडियन ओशियन का पार्ट है सुंडा ट्रेंच, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये जो भाई साहब ऊपर की तरफ यहां निकले हुए हैं, आपको दिख रहा है कि एकदम ओशियन से ऊपर निकल गए, तो कोई भी ऐसा चीज, हालांकि इसको मुझे गोल बनाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा चीज जो ओशियन से बाहर निकल जाए, चारों तरफ पानी है वो बाहर की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, आइलैंड। और आइलैंड के बारे में आप समझते ही हैं, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, ग्रीनलैंड है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आइसलैंड है अपने इंडियन ओशियन में, श्रीलंका इटसेल्फ आइलैंड, मेडागास्कर एक आइलैंड है, ठीक है, तो आइलैंड, जापान एक आइलैंड कंट्री है, न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है, तो आइलैंड्स को आप अच्छे तरीके समझते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स भी है, फिजी है, किरीबाती है, समोआ है, ये इंडियन ओशियन के कुछ आइलैंड
आइलैंड्स हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और जब हॉलीवुड फिल्म वगैरह देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये दिखाई देगा। तो दिस इज द आइलैंड्स कंट्रीज, ठीक है। तो आइलैंड होते हैं जो कि समुद्र से ऊपर उठ जाते हैं, दैट इज आइलैंड। और ये यहां पर जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा उठा हुआ, ध्यान दीजिएगा यहां पे, थोड़ा सा उठा हुआ कुछ दूर तक जाता हुआ, आपको इतना ही मिलेगा कि ये दूर कहां है, अरे नहीं ये इतना भी बहुत दूर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उठा हुआ कुछ दूर तक जाता हुआ, और ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ओशियनिक रिज, रिज बोलते हैं। ओशियनिक रिज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओशियनिक रिज, यानी कि समुद्री रिज बोलते हैं, समुद्री रिज। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में आप देखेंगे एक रिज है, तो अटलांटिक ओशियन का रिज। मैंने आपको अटलांटिक ओशियन का रिज कई बार दिखाया है, कई बार बताया है, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बताते हुए बताया हो, चाहे वो अर्थक्वेक को बताते हुए बताया हो, चाहे वो वोल्केनो को बताते हुए बताया हो, तो मैंने आपको हमेशा अटलांटिक रिज के बारे में बताया है कि अटलांटिक ओशियन में एक रिज है, बहुत फेमस है। तो यह ओशियन का एक स्थलाकृति भी है जो रिज है। आप जानते हैं रिज कैसे बनता है, यह आप हमें कमेंट में बताएंगे कि रिज का निर्माण कैसे होता है, एक मैंने आपको बताया है, पॉइंट समझिएगा। और रिफरेंस अगर दे दूं तो मैंने आपको जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता रहे थे उस समय मैंने आपको समझाया था। तो ओशियनिक रिज को आप एक बार हमें बताएंगे कि कैसे बनता है। तो यह कुछ स्थलाकृतियां हैं जो ओशियन के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ओशियन के अंदर पाए जाने वाले कुछ स्थलाकृतियां हैं जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है। तो इसको आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इतना ही एक्सप्लेनेशन है जितना मैं बोला हूं। और उसको वीडियो को बार बार देख करके सुन करके आप अपनी कॉपी में उस एक्सप्लेनेशन को अपने लैंग्वेज में कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे VVI डाला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बड़े एग्जामिनेशन में यानी कि आपसे हायर लेवल के एग्जामिनेशन में ग्योर जैसे चीजें आई है, ट्रेंज के बारे में मैरियाना वगैरह हमने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ओशियन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जिसमें से हमने दो तीन बात बताया था, और फिर ओशियन का पूरा फिगर बना करके हमने आपको समझाया ओशियन के बारे में। अब देखते हैं कि एक एक ओशियन करके हम लेते हैं, एक एक ओशियन, और उसके बारे में आपको हम समझाते हुए चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप अपने कॉपी में अपने नोट्स में बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं बाद में, अभी हमें आपको समझाना है। और मेरे पास ग्लोब भी है, ग्लोब दिखा करके हम आपको समझाएंगे, मैप भी है, मैप भी लेकर के चलेंगे, यानी कि हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी खोपड़िया में बातें चली जाए, ठीक है। आपका खोपड़ी हमेशा खुला रहना चाहिए। पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं सबसे पहले, पैसिफिक ओशियन। जब पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन का नाम पैसिफिक एक फर्डिनेंड मैगेलन है जो कि सबसे पहले पैसिफिक ओशियन को एक्सप्लोर किया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम का है कि सबसे पहले पैसिफिक ओशियन को किसने एक्सप्लोर किया था, तो फर्डिनेंड मैगेलन, ठीक है ना, इन्होंने एक्सप्लोर किया था। और इन्होंने इसका नाम पैसिफिक रखा था जिसका मतलब होता है शांति, जिसका मतलब होता है काल, ठीक है ना, शांति होता है, ये बात मैंने यहां पे लिख दिया है। कोई बात नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फर्डिनेंड मैगेलन से तो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। चलिए पैसिफिक ओशियन को जानते हैं कि ट्रायंगल इन शेप है। अब यहाँ पे एक बात है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, मेरे पास ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। अब मैं आपको बताऊं पैसिफिक ओशियन कहां है, तो देखिए पैसिफिक ओशियन मैं लेके आ रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ओशियन दिखाई दे रहा है, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। और इसको कहा है इन्होंने ट्रायंगल इन शेप। अब ट्रायंगल अगर आपको ना भी दिख रहा है तो आप मान लीजिए, इसलिए क्योंकि प्रकृति है, यहां पर कोई थ्योरम नहीं है पाइथागोरस के कि आपको जो ट्रायंगल बना के दिखाएगा, प्रकृति है एक, अगर मैप ले रही है उसी आकार की कहीं ना कहीं, तो वो उसको कह देते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, इसको मैं पहले VVI कर दूं ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा वो बंद हो जाए, पढ़ना है, मानो या नहीं मानो पढ़ना है, मानो या ना मानो, अब बात हो गया खत्म। अब देखो, ठीक है, यहां पे पॉइंट देखिए, ये जो यहां पे ऐसे करके ये इस तरीके से आप देखिए नीचे की तरफ आ रही है, फिर यहां पे इस तरीके से आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आ रही है, और फिर एक ये इस तरीके से बना रही है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रायंगल इन शेप है। ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा ओशियन आपको दिख रहा है। यहां पर देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। इस तरफ अगर आप करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, दक्षिण अमेरिकी कंट्री जिसमें ये अर्जेंटीना है, ठीक है,
अब इधर ऐसे कर लीजिएगा तो फिर दूसरा ओशियन आ जाएगा, तो हम इधर करेंगे नहीं, हम आप सिर्फ पैसिफिक ओशियन में रहेंगे। और इसी पैसिफिक ओशियन में दुनिया भर के आइलैंड्स वगैरह भी है, ये सबसे बड़ा ओशियन है, आपको दिख भी रहा होगा सबसे बड़ा ओशियन। अगर ग्लोब को मैं थोड़ा थोड़ा अगर घुमाऊं तो आपको देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और जब इधर भारत आपको दिख रहा है, यहाँ पे भारत है, भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर, तो ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर से अगर पैसिफिक ओशियन को अगर आप मिलाते हैं तो देखिए पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा दिखता है, हिंद महासागर कितना छोटा दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखिए, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका के बाद देखिएगा यहां पर जो महासागर आपको दिख रहा है इस टाइप के आकार का, ये यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप के आकार का, ये महासागर है आपका अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन भी पैसिफिक ओशियन से छोटा ही दिख रहा है। तो देखो, तो अब ये आ गया पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। अब आर्कटिक और अंटार्कटिका को देखोगे तो ये आर्कटिक है, ये रीजन आर्कटिक रीजन है ये, और अंटार्कटिका रीजन यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा, अंटार्कटिका ये रीजन अंटार्कटिका का, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बिगेस्ट है, एक। दूसरा सबसे डीपेस्ट भी है, सबसे गहरा भी है। हमने एग्जांपल बताया मैरियाना ट्रेंच का, कि मैरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, 11,033 मीटर उसकी गहराई है। तो मैरियाना ट्रेंच आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में ही है। तो सबसे ज्यादा ये बड़ा भी है, यानी कि बिगेस्ट भी है, और सबसे ज्यादा डीपेस्ट भी है, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो सबसे ज्यादा आइलैंड्स यही पाया जाता है पैसिफिक ओशियन में, सबसे ज्यादा आइलैंड्स पैसिफिक ओशियन में ही पाया जाता है। अब कुछ आइलैंड्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये आइलैंड किस ओशियन में है, तो मैंने आपको कुछ आइलैंड्स का नाम लिखा है, मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही कि कौन कौन से आइलैंड पैसिफिक ओशियन में आपको दिखाई देगा। तो मैं चूंकि यहां पर दिख भी रहा हूं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि आप इसको एक बार थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कौन कौन सा आइलैंड है। यहाँ पे है आपका किरीबाती, यहाँ पे हवाई आइलैंड जो अमेरिका का है, यहाँ पे हवाई आइलैंड है ये, यहाँ पे किरीबाती है, उसके बाद यहाँ पे कुक आइलैंड है, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए है कि फिजी है, फ्रेंच का फिजी है, उसके बाद यहीं पे आपको मकालू है, ठीक है, यहीं पे टोंगा है, फिजी है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा है, इसको आपको दिखाई नहीं देगा इसमें, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फिजी, टुवालू, मार्शल आइलैंड, समोआ, टोंगा, हवाई, किरीबाती, ये सारे आइलैंड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद पैसिफिक ओशियन के बारे में और भी बात करें, मैप से ही बात कर लेते हैं। तो देखो पैसिफिक ओशियन में आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है, आपको समझ में आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के अगर आप, ठीक है, ईस्ट की तरफ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है ऑस्ट्रेलिया का और ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये वेस्ट ये ईस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट है, पश्चिमी भाग है, वो इंडियन ओशियन में है, और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वो पैसिफिक ओशियन में। और ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग किस ओशियन में है, तो पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग किस ओशियन में है, तो इंडियन ओशियन में। और ये आप कैसे तय करेंगे, ये मैप देख के तय करेंगे। जब तक मैप के साथ आप रूबरू नहीं होंगे, जब तक मैप आपका या ग्लोब जिसको आप बोलते हैं आपका अपना नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसके साथ दिक्कत में आप रहेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसलिए मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल का वर्ल्ड का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, और इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप आपके पास होना चाहिए। ग्लोब ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोब से तो कोई मतलब नहीं है, आप ना भी रखे, मैं तो कहता हूं नहीं रखो ग्लोब, आप मैप ले आओ ना, ठीक है, मेरे पास ग्लोब है तो हम आपको ग्लोब से दिखा रहे हैं। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग, यहां पे देखो ये पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में कोरल रीफ से बना हुआ ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा, जो एग्जाम में पता नहीं 1000 बार पूछा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रेट बैरियर रीफ किससे बना है, तो कोरल से बना है, और कोरल क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तो कोरल से बना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, क्योंकि पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ होगा, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ही आपको एक ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो बहुत बड़ा पर्वत है, वो भी यहाँ पे पाया जाएगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पूर्व में है और ग्रेट बैरियर रीफ भी पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया का। और ये मैप आपको अच्छे तरीके से समझिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में है, कोरल रीफ से बना हुआ है, और यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे रिच है, दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के जो रिच जगह है उसमें से ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ भी आता है, और इसको सरकार
बचाने की पूरी पूरी मुहिम किए हुए है। वहां पर जो भी सैलानी जाते हैं उनको प्लास्टिक ले जाना मना किया हुआ है, वहां पर गंदगी फैलाना मना किया हुआ है, नहीं मानने पर फाइन वाइन है या फिर कुछ सजा वजा पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ हो गया जो सबसे क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया। तो ये आपका पैसिफिक ओशियन के बारे में बहुत सारी बातें हमने की। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या आपको लिखा है नोट्स में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नोट्स में हमने कहा लार्जेस्ट ओशियन, हमने कहा है डीपेस्ट ओशियन, हमने मैरियाना ट्रेंच बताया। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता रिंग ऑफ फायर। जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको वोल्केनो पढ़ाया है, मैंने आपको उसमें ने आपको बताया था कि रिंग ऑफ फायर का एरिया है जो कि यहाँ पर देखो ये रिंग ऑफ फायर का एरिया है ना ऑस्ट्रिया, ये देखो यहां से ये ऐसे होते हुए जापान होते हुए यहां पर देखो ऐसे होते हुए ऐसे ये रिंग ऑफ फायर का एरिया। तो ये रिंग ऑफ फायर का एरिया है जो कि पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, तो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में। मोस्ट ऑफ द आइलैंड जिसके बारे में हमने चर्चा किया वो पैसिफिक ओशियन में है, जिसमें हमने आपको फिजी टूवालू जैसे बारे में बात किया है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में मैंने आपको बताया था, कहा कि कोरल लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड है ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल से बना है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि किस ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में ही, इंडिस ओशियन, जहां पे मैंने ग्रेट बैरियर रीफ ही बताया। और वहां पे हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत भी है वहां पे पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। ठीक है, चलिए उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जिसको हम अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन बोलते हैं, ये भी पैसिफिक ओशियन से निकलती है और बेरिंग सी से निकलती है, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्टेड आर्कटिक सी और पैसिफिक। अब जरा हम देखते हैं आपको 180 डिग्री अगर आपको दिखाई दे रहा हो, पहले भी मैंने आपको मैप में 180 डिग्री बताया है। देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 180 डिग्री का मैप है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिगजैग है और फिर नीचे की तरफ सीधा आ गया 180 डिग्री, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये पैसिफिक ओशियन से निकलती है और यहीं पे ये बेरिंग सी है। ये क्या है? बेरिंग सी। और ये जो बीच में आपको जगह दिख रहा है ये यहाँ पे ये बेरिंग स्ट्रेट है और ये है आर्कटिक ओशियन ऊपर में, और ये है पैसिफिक ओशियन, ये है आर्कटिक ओशियन, और ये बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है, जो बात मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट कनेक्ट टू क्या बोलते हैं वाटर बॉडीज और क्या बोलते सेपरेट टू लैंड मास। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको सेपरेट करती है? देखो यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे रसिया है, ये अलास्का है, ये रसिया है, तो इस दोनों को सेपरेट करती है और यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट निकल रही है जो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को क्या करती है? कनेक्ट करती है। यहीं से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी निकलती है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो ये पैसिफिक ओशियन के बारे में मैंने बात किया और यहाँ पर मैप में मैंने आपको दिखाया भी है, तो इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। पैसिफिक ओशियन के बाद हम चलते हैं दूसरा ओशियन। हम इंपॉर्टेंटली तीन ही ओशियन की बात करेंगे, आर्कटिक और अंटार्कटिका एक तरीके के रिफरेंस में आता चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अटलांटिक ओशियन के बारे में। अटलांटिक ओशियन के बारे में कहा जाता है कि ये एस शेप ओशियन है। अब यहाँ पर देखो ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, आप देखिए ये एस शेप कहते हैं। क्यों एस शेप कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो ये इस तरीके से और फिर नीचे जा करके थोड़ा सा बना हुआ है ऐसे करके और नीचे ऐसे, तो इसलिए इसको एस शेप कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, अगर आप ना भी माने फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम का है तो यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। आप मानो या ना मानो क्वेश्चन एग्जाम का टिक करके आना ही पड़ेगा, लेकिन आपको दिखने में लग जाएगा एस शेप का है। फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जब आप मैप आपके पास अगर एटलस हो या फिर आपने दीवार में लगाया हुआ है तो फिर आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, चलिए एक अटलांटिक ओशियन सबसे बिजिएस्ट है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा सबसे बिजी है यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्त है। व्यस्त किस वजह से है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो कमर्शियल ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, शिप का कमर्शियल ट्रैफिक। कैसे? देखो एक तरफ आप देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कनाडा अमेरिका जैसा कंट्री है जो दुनिया में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्री है ना, बहुत बड़ा कंट्री है, और दूसरे तरफ आप देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज जिसको आप डेवलपिंग फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री है, और इस डेवलप्ड कंट्री से के बीच में जो व्यापार होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बिजिएस्ट ओशियन है, बिजिएस्ट, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशियन है। आप देखिए नीचे में भी यहाँ पे ब्राजील आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अफ्रीकन कंट्रीज, तो यहाँ पर जो व्यापार है ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सबसे बिजिएस्ट ओशियन कहा जाता है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट। इसी अटलांटिक ओशियन में आप देखेंगे ऊपर में ग्रीनलैंड है, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीनलैंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है,
ग्रीनलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। और एक ही ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में ही है बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड ग्रीनलैंड, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी ओशियन में इस जगह पे, यानी कि जो आपको मिडिल ऑफ ओशियन, इसके थोड़ा सा ऊपर जब हम बात करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे सार्गेसो सागर है, सार्गेसो सी, इस जगह पे सार्गेसो सी है, यहाँ पे मैंने बताया है। ये दरअसल एक तरीके का छोटे छोटे जंगली पौधे हैं, जंगली जीव हैं, जिस जो कि ओशियन में लगभग 2-3 हजार किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। और चूंकि उसका नाम सार्गेसो है, उस जंगली पौधे का या जंगली जीव का नाम क्या है, सार्गेसो है, तो इसलिए इसको सार्गेसो सागर कहा जाता है, ठीक है। इसको ओशियन का मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल, ओशियन का मरुस्थल कहा जाता है। हमने क्या कहा, क्या क्या कहा है वो देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, बिजिएस्ट ओशियन है, ये बात हमने आपको कर दिया, सार्गेसो सी के बारे में बात कर दिया। मैंने आपको कहा था कि ये ओशियन का क्या है, ओशियन का मरुभूमि है, मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल है, डेजर्ट ऑफ ओशियन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बारे में बात किया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं कि इट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि आप कहते हैं कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसका है, अटलांटिक ओशियन का है। इसको देखने की चीज है, क्यों देखने की चीज है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन यहाँ पे इसका कोस्टल लाइन बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसका है, कनाडा का है, कनाडा का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किसका है, कनाडा का है सबसे बड़ा कोस्टल लाइन, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है अलग से, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ा कनाडा कोस्टल लाइन किसका है, कनाडा का है, क्वेश्चन एग्जाम का है। आपको कोस्टल बाउंड्री की जब भी क्वेश्चन आए तो आप कनाडा टिक मार लीजिएगा, सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री कनाडा का है। और जब कनाडा का सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री है और कनाडा अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बाकी और भी तो कंट्रीज हैं, उन सबका कोस्टल लाइन यहाँ पे जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन हो जाता है किसका, अटलांटिक ओशियन का। उसके बाद पनामा कैनाल कनेक्ट अटलांटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो पनामा कैनाल है वो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। यहां पर देखिए पनामा कैनाल यहां है, इस जगह पे पनामा कैनाल है, और इधर देखो पैसिफिक है, और इस तरफ देखो अटलांटिक है। अब अटलांटिक को पैसिफिक से ऐसे करके जोड़ती है, अटलांटिक को पैसिफिक से ऐसे करके जोड़ती है, तो ये पनामा कैनाल है, ठीक है। पनामा के बारे में बात कर लिया, अटलांटिक ओशियन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया, बाकी मैप पे भी हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने में, ठीक है। चलिए अटलांटिक ओशियन को यहीं पे जोड़ छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशियन। एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे है, दैट इज इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत के नाम पे ये ओशियन है, इंडियन ओशियन। मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा आइलैंड है, मेडागास्कर, श्रीलंका भी और दूसरे आइलैंड है, और भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉरिशस है, सेशेल्स है, मालदीव, श्रीलंका वगैरह आइलैंड है। सुंदर ट्रेंच के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, इंडियन ओशियन को हम आपको दिखा दें, ये इंडियन ओशियन है, देखो ये इंडिया है और ये नीचे में इंडियन ओशियन है। अब इंडियन ओशियन से जैसा चाहे किसी भी ओशियन से कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको ठीक करना है कि इंडियन ओशियन के नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया, इंडियन ओशियन के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है। अगर आप इस तरीके से बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पे इंडियन ओशियन के ईस्ट में, वेस्ट में, तो कॉन्टिनेंट वगैरह जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे कर लेना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो इंडियन ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वो किस में है, पैसिफिक ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन से भी अगर कॉन्टिनेंट वगैरह पूछे तो वो भी कर लीजिएगा, उसके आसपास कौन सा है। अटलांटिक ओशियन से अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो वो भी कर लीजिएगा, उसके आसपास कौन सा कॉन्टिनेंट है। ये सारे एग्जाम का क्वेश्चन होता है जिसको आपको करना होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को, इसको आप लिख लिए होंगे, मैं इंडियन ओशियन में कम ही लिखा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जाकि आप रट्टा मारे बैठ करके, बस काम की चीजें हमारे पास हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। चलिए ये चीजें, ये आपका सामने में मैप है,
डिस्कस करने वाले हैं वो है ओशियनिक करेंट, यानी कि हम लोग बात करेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में, साथ साथ हम महासागरीय जलधाराओं के टेम्परेचर और महासागरीय जल के सैलिनिटी यानी कि उसकी लवणता के बारे में बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले महासागरीय जलधारा, ठंडी जलधारा और गर्मी गर्म जलधारा, दोनों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे महासागरीय जलधाराओं का, तो देखिए हम इक्वेटर से चीजों को आगे लेकर के चलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, मैं कलर चेंज कर लूं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, यहां पर भी ये 0 डिग्री है। ये इक्वेटर है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को बांटती है। आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोग हमेशा इस बात को पढ़ाते हुए आए हैं। और यहाँ पे ब्लैक कलर में मैंने इक्वेटर का एक लाइन भी खींच दिया है, थोड़ा सा तिरछा आ रहा हो गया है, लेकिन उसके लिए आप अंडरस्टैंड करेंगे, आई होप आप करेंगे भी, आई होप क्या करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब ओशियनिक करंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके की जलधारा है, ठंडी और गर्म, और उस जलधारा को समझने की जरूरत कैसे है वो हम आपको बताते हैं। इसके 2-3 कंसेप्ट है कि किस तरीके से ओशियनिक करंट वर्क करती है। हम यहाँ पे आदर्श रूप से अटलांटिक ओशियन को एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ठीक है। आदर्श रूप से अटलांटिक ओशियन को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो आप देखिएगा कि जब इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर आप जानते हैं कि गर्म है, यानी कि वो ऐसा जगह है जहां पे गर्मी जो है ना लगभग ज्यादा है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सूरज की सीधी किरणें साल भर पड़ती रहती है इक्वेटर पे, तो इसलिए वो क्या है, ज्यादा गर्म है। अब जहां ज्यादा गर्मी होगा वहां पे वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, तो अगर ज्यादा गर्मी और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो ओशियन है जहां पे वाष्पीकरण हो रहा है उस ओशियन का पानी गर्म है। ध्यान समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर कहीं पे ओशियन गर्म है, कहीं पे वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे ओशियन गर्म है, यहां पे गर्मी ज्यादा है। तो ये जो इक्वेटर के आसपास पूरे दुनिया में इक्वेटर के आसपास जो भी जलधाराएं आपको मिलेंगी वो गर्म जलधाराएं मिलेंगी इक्वेटर पे, और उसका नाम कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको नामकरण भी कर दूं, ठीक है। यहां पे देखिएगा, मैं पहले एक जलधारा बनाता हूं। देखो ये एक जलधारा है जिसको मैं आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश किया हूं, कोशिश नहीं मैं बना रहा हूं, ठीक है, जलधारा है। अब ये जलधारा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेटर पे है और इक्वेटर के ये क्या है, नॉर्थ है, तो इसको हम लिख देते हैं एन, यानी आप लोग लिखेंगे पूरा नॉर्थ, इसको लिख देते हैं एन नॉर्थ, और ये क्या है, इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल, और ये क्या है, जलधारा है, तो करेंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक। उसी तरीके से इक्वेटर के ये साउथ में करंट है, तो इसका क्या नाम है, साउथ एस साउथ इक्वेटोरियल, चूंकि इक्वेटर पे है तो इक्वेटोरियल और करंट, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, एक हो गया, दो करंट यहां पे बता दिए। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, पूरा खोपड़िया खोल के रहना, और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि चूंकि इक्वेटर गर्म का जगह है, गर्मी का जगह है, तो इक्वेटर के आसपास ये बहने वाला जलधारा गर्म होगा कि ठंडा होगा, खोपड़िया खोल के बात करना मेरे से, ठंडा होगा कि गर्म होगा, गर्म होगा, तो इसका मतलब है SEC यानी कि साउथ इक्वेटोरियल करंट और NEC यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसका नाम है नॉर्थ। मैं पूरी पूरा बोल रहा हूं, आपका काम है अपने कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, समझ गए ना, आपका काम है, आप नहीं हो तो बस हॉट भी हॉट करंट और कोल्ड करंट करके और लिखते चले, मैं आपको समझाते हूं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हॉट, हॉट में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट लिख लीजिए, जब कोल्ड में बताऊंगा तो कोल्ड में लिख लीजिएगा, आप ये सब चीज लिखते चलिए, ठीक है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है, गर्म है, साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है, गर्म है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ये गर्म है तो ये नीचे की तरफ यहां ऐसे करके यहां नीचे की तरफ चली, नीचे की तरफ चली, यहां पे आ गई, ये ठीक उसी तरीके से ये भी इस तरीके से चली, कुछ इस तरह इधर भी आई, इस तरफ चली, इस तरफ चली, इस तरफ चली, इस तरफ, और यहां पे नॉर्वे तक पहुंच गई, नॉर्वे तक पहुंच गई। अब यहां पे देखिएगा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट दोनों गर्म है, तो अगर चूंकि ये गर्म है तो ये भी तो गर्म है, हाँ। अब आप कहेंगे कि नीचे जाते हुए ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा हम मानते हैं, लेकिन अभी इसका नेचर क्या है, गर्म है, तो ये भी गर्म है, तो इसको बोलते हैं ब्राजील की धारा, यानी कि ब्राजीलियन करंट, तो ब्राजील की धारा यहां पर लिख देता हूं, हालांकि ब्राजील यहाँ पे कंट्री ही है, तो ब्राजील के नाम से ब्राजील आप देख सकते हैं, तो ब्राजील की धारा, तो ब्राजील की धारा कैसा होगा, गर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं ना गर्म यहाँ पे बह रही है, आप देख रहे हैं गर्म है, तो ब्राजील की धारा गर्म है, हो गया पॉइंट, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 जलधाराएं यहाँ पे मिलेंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। फिर यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक
ड्रिफ्ट यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, चूंकि अटलांटिक ओशियन में है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, एक लंबा सा धारा है ड्रिफ्ट, और ये कैसा है, हॉट है। और यहां से एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, एग्जाम का क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड, तो जो ये कंट्रीज हैं इनके जो कोस्टल इलाका है वो सालों भर क्यों खुले रहते हैं। यानी कि इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछे तो नॉर्वे के कोस्टल इलाका, नॉर्वे का कोस्टल इलाका सालों भर क्यों खुला जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि एक गर्म जल धारा है वो नॉर्वे के कोस्ट को पिघला के रखता है, वहां पे टेम्परेचर को कम कर सॉरी थोड़ा सा बढ़ा के रखता है जिससे कि वहां पे शिप का आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कितना वैलिड है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अगर जानना है तो ऐसे समझिए कि ये रीजन आर्कटिक रीजन है बेटा, ये आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक रीजन का मतलब फ्रीज जोन, एकदम बर्फ बना रहेगा, बर्फ ऐसा कि कनाडा में, इसी जगह पे कनाडा है ना, कनाडा में बर्फ के वो जमे हुए झीलों पे हवाई जहाज को लैंड करा देते हैं, एरोप्लेन को लैंड करा देते हैं। अब समझ सकते हैं बर्फ वहां पे कैसा जमता है कि एरोप्लेन लैंड हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। और इसी नॉर्वे के तट पे शिप पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, वहां तो बर्फ जमा होना चाहिए, तो ये शिप पहुंच रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण जो कि एक गर्म जलधारा है जो वहां के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा के रखता है। और ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़े रहने से क्या होता है कि बाकी शिप अपनी ताकत से चीजों को फैला करके और आगे बढ़ जाता है। इसलिए नॉर्वे का तट, नॉर्वे के तट को फ्योर्ड तट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नॉर्वे कोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्योर्ड कोस्ट, ठीक है, तो नॉर्वे के तट को फ्योर्ड कोस्ट भी कहते हैं, ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। नॉर्वे के तट पे सालों भर क्या शिप पहुंचते रहता है, या फिर नॉर्वे ना देकर के नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के कंट्रीज को एक साथ स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की कंट्रीज को एक साथ स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो तट है वो सालों भर खुला रहता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। चलिए, तो ये भी गर्म जलधारा है, यहां पर गर्म। अब यहां पर गल्फ, इस जलधारा को यहां पर जो वेनेजुएला के पास आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है आपको यहां पे फ्लोरिडा करेंट, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा की धारा गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो गर्म होगा। यहां पर इसका नाम है गल्फ, चूंकि यहां पे देख रहे हैं ना गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। अब ये कैसा जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है। चलिए, अब यहां पे मैंने इतना बना दिया है, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, और इसको बड़े गौर से देखिएगा कि किस तरीके से ये गर्म जलधारा यहां तक पहुंच रहा है और ये गर्म जलधारा यहां पहुंच रहा है जो ब्राजील करंट के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, ब्राजील करंट के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा, अब मेरी कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझिए और फिर उसके बाद जब जलधारा पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको खुद से बता देंगे कि यहां कौन सा जलधारा है, आप खुद बता देंगे। चलिए, कॉन्टिनेंट के पूर्व में, देखिए यहां पर पूर्व है यानी कि ईस्ट है, किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में गर्म जलधारा बहती है और किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में ठंडी जलधारा बहती है। अपने कॉपी में इस पॉइंट को लिख लीजिए, किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में गर्म जलधारा बहती है और किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में पश्चिम में ठंडी जलधारा बहती है। अपने कॉपी में ये पॉइंट एकदम लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। एक दूसरा पॉइंट यहां पर आप लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को लिखने के बाद दूसरा पॉइंट कि इक्वेटर से पोल की तरफ, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ हम चले और इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाएं तो वो जलधारा गर्म होगा। अगर कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बह रही है तो वो गर्म होगा। ध्यान रखिए, देखिए ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है और ये जलधारा गई। मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं आगे दूसरे जलधाराओं के बारे में बात करूंगा। ध्यान रखिएगा, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है, एक जलधारा गई, ये कौन सी जलधारा होगी, गर्म। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने वाली जलधारा गर्म होगी। ध्यान रखिएगा, ये विषुवत रेखा है, यहाँ नीचे ध्रुव है, ध्रुव का मतलब साउथ ध्रुव अंटार्कटिका, ये कौन सी धारा है, ब्राजील, नीचे जा रही है, गर्म है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने वाली जलधारा क्या होगी, गर्म। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बहने वाली जलधारा ठंडी होगी। जैसे मैं यहां पर देखो, ये ध्रुव है, ध्रुवीय इलाका है ना, यहां पर एक जलधारा मैं बहा रहा,
ये ठंडी जलधारा है और इसको बोलते हैं लैब्राडोर की धारा। इसको क्या बोलते हैं? लैब्राडोर की लैब्राडोर करंट, लैब्रा, ये देखो ये लैब्राडोर करंट है, ये ठंडी जलधारा है, कोल्ड है, कोल्ड है। क्यों? क्योंकि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये ठंडी है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे एक और दिखाते हैं आपको, देखो यहां पे ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है एक जलधारा। यहां पे कौन सी जलधारा होगी? सिंपल कोल्ड। और इस जलधारा का नाम जानते हैं क्या है? इस जलधारा का नाम है फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट। अपने कॉपी में ठंडा जहां गर्म लिखो वहां पर ऐसी चीज मेंशन करते रहना, इसको क्या बोलते हैं? फॉकलैंड करंट। ध्यान रखना पॉइंट को, एकदम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बहने वाली जलधारा ठंडी होगी और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बहने वाली जलधारा गर्म होगी। कॉन्टिनेंट के पूर्व में गर्म जलधारा, कॉन्टिनेंट के पश्चिम में ठंडी जलधारा। अब आप हमें बताएंगे कि कौन सी जलधारा कहां कैसे होगी। अब मैं आपको जलधारा को आगे बढ़ा करके लेके चलता हूं, ठीक है? यहां पर एक जलधारा है, यहां पे ऐसे है और फिर यहां पे ऐसे है और फिर ये यहां पर मिल जाता है, यानी कि एक जलधारा का क्या है? पैटर्न बन गया, देख रहे हैं ना, एक पैटर्न बन गया। पैटर्न में बना ही दे अच्छे से, तो पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन गया ना। तो इस पैटर्न, ये जो है नीचे, चूंकि ये ठंडी जलधारा है तो इस ये ठंडी यहां पर है, तो इस जलधारा का नाम है किनारी, किनारी जलधारा, ठंडी जलधारा है, इसका नाम है किनारी। यहां पर एक गर्म जलधारा है जो अपवाद है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम का पूछ लेता है, जो मेरा कंसेप्ट है। अब देखिए कोई भी जो कंसेप्ट होता है वो बिना अपवाद के तो होता नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। तो जो हमने आपको दो शब्द बताया कंसेप्ट के रूप में, उसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक रेनेल करेंट है, रेनेल की जलधारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, रेनेल, रेनेल करेंट, ये हॉट है, ये हॉट करेंट है और ये कोल्ड है, ध्यान रखिएगा। ये यहां पर ये रेनेल का ये है रेनेल, ठीक है, ये रेनेल करंट है, ये नहीं है, ये जो कि थोड़ा सा अलग हट करके यहां पर दिखाई दे रहा है, तो रेनेल करंट है। समझ में आ गया ना ये आपको पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा साउथ अटलांटिक करेंट है, तो यहां पर देखो ये करेंट साउथ अटलांटिक करेंट होगा, चलिए यहां पर भी मैंने एक आपको एक पॉइंट बना दिया, मतलब एक पूरा का पूरा चक्र घुमा दिया। आप यहां पे देखते हैं कि यहां पे कौन कौन सा है, तो इसको साउथ अटलांटिक करंट बोलते हैं, साउथ अटलांटिक करंट, चूंकि ये साउथ में है, अटलांटिक ओशियन में करंट है, तो साउथ अटलांटिक करंट। कैसी धारा है? ठंडी, ठंडी, क्योंकि कहां है ये? ध्रुवों पे है, तो ठंडी होगा, सिंपल। गर्म तो यहीं पे आ गया, इसी जगह पे जाकर के गर्म और ठंडा मिल गया फॉकलैंड के पास, तो इसका तो काम खत्म हो गया गर्म का, ठीक है। उसके बाद ये जो जलधारा है, जो यहां पर बोला, अब मैंने क्या कहा कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है और कॉन्टिनेंट के पश्चिम भी है, दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर दिख रहा है, तो ये कैसा होगा? सिंपल ठंडी होगा। इसका नाम क्या है? बेंगुला, बेंगुला की धारा, बेंगुला करंट, बेंगुला करंट। ये कैसी करंट होगा? कोल्ड, सिंपल, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के पश्चिम में है और ध्रुवों से विषुवत की तरफ जा रही है, तो ठंडी होगी। ये भी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में है, देखो यहां पे पश्चिम में है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आती है किनारी धारा, ये भी आपको ठंडी होगी। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके की धाराओं का कहानी है। फिर वैसे ही धारा इधर भी बनेगी, और इसका नाम भी क्या है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऐसा ही बनेगा इसको भी, ये भी यहां पर भी ऐसा ही बनेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए ये भी ऐसा ही बनेगा। अब यहां पे बहते पहले चलते हैं, और एक यहां है
कुछ इस तरीके से करंट है। अब इस करंट का नाम क्या, वो हम बताते हैं क्यूरोसियो करंट। क्यूरोसियो ये कैसा करंट होगा, गर्म होगा, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर से भी एक करंट आ रही है, ये कैसा करंट होगा, ठंडा। और इस ठंडे करंट का नाम है क्यूरिल करंट। क्यूरिल क्यूरिल ये कैसा होगा, कोल्ड। क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्यूरिल करंट बना रहा हूं मैं, क्यूरिल करंट, ठीक है। और ये यहां पे कौन सा है, क्यूरोसियो की धारा है, क्यूरोसियो की, ठीक है ना। और ये कैसा होगा, हॉट। क्यूरोसियो की धारा कैसा होगा, हॉट। समझ में आ रहा है, चलिए मैं अब एक बार समझा दिया हूं, अब आप खुद से खुद समझते चले जाएंगे कहां गर्म होगा कहां ठंडा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो हमने यहां पे बता दिया। अब चूंकि ये यहां पे यहां आ जाता है, और ये कुछ इस तरीके से मिलके बनता है, ठीक है। तो अब यहां पे हम आपको क्या बता रहे थे कि कौन सा करंट कैसे ठंडा होगा गर्म होगा, तो देखो यहां पर है कैलिफोर्निया की करंट, कैलिफोर्निया इस जगह पे। अब आप हमको बताएंगे कैलिफोर्निया की करंट ठंडी होगी कि गर्म होगी, खुद से बताइए ठंडी होगी गर्म होगी कैलिफोर्निया की करंट, आप खुद से बताएंगे, आपके ऊपर छोड़ दिया है। देखिए मूवमेंट कैसा है उसके हिसाब से आप बताइए, ठीक है, कैलिफोर्निया की करंट। उसके बाद यहां पे अब चूंकि ये यहां पे इस तरीके से ऐसे बहती है, अब इसका नाम क्या है, साउथ पैसिफिक करंट। साउथ पैसिफिक करंट ये कैसा होगा, ठंडी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहां बह रही है, ध्रुवों पर। अब ध्रुवों से जब क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा की तरफ ये करंट आ रही है, ये करंट देखो ध्रुवों से विषुवत रेखा की, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करंट होगी, ठंडी। और इसको बोलते हैं, चूंकि यहां पेरू देश है तो पेरू करंट, पेरू जलधारा बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम है हम्बोल्ट भी बोलते हैं इसको, हम्बोल्ट करंट। ये कैसी होगी, ठंडी, ठीक है, ठंडी। और इसी जगह पे, इसी पेरू जलधारा पे लानीना और अनलिनो जैसे इफेक्ट होते हैं, लानीना और अनलिनो जैसे इफेक्ट होते हैं। तो ये अनलिनो का इफेक्ट क्या होता है, तो इस जगह पे एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा। ये पॉइंट है कि जब कभी भी दुनिया में कुछ ऐसा, हालांकि साउथ ऑसिलेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास होता है, तो उस ऑसिलेशन के कारण यहाँ पे जलधारा में थोड़ी सी परिवर्तन हो जाती है, और ये ऊपर जाने के बजाय नीचे चलने लगती है कुछ इस तरीके से, मैं रेड कलर से किया हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे चलने लगती है, रेड कलर से मैंने किया है। अब इस तरीके से जब नीचे चलने जाती है तो ये क्या हो जाता है, हॉट, गर्म, ये हो जाता है हॉट, और इसी को बोलते हैं अलनीनो। तो अलनीनो धारा भी कहां चलती है, पेरू के तट पे ही, अलनीनो धारा भी कहां चलेगी, पेरू के तट पे, लेकिन उसका करंट कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो डिफरेंस कर जाएगा अपने पुराने करंट से। पुराना करंट तो चल रहा है फ्रॉम क्या बोलते हैं, फ्रॉम ध्रुव यानी कि पोल टू पैसिफिक ओशियन, तो वो ठंडी है, लेकिन यहां पर इसका करंट उल्टा हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा हो जाएगा। तो अनलिनो की धारा क्या होती है, गर्म जलधारा होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और ये पेरू के तट पे ही ये जलधारा बनती है, ठीक है ना, इसको ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा, अनलिनो का कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो अब गर्म जलधारा अगर आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठंडी जलधारा को मैं छोड़ देता हूं, गर्म जलधारा पे रेड कलर चलाता हूं, ठीक है, रेड कलर। देखो ये गर्म जलधारा है, मैं रेड कलर चलाता हूं गर्म जलधाराओं पे, ठंडी जलधारा को मैं ब्लैक ही छोड़ देता हूं, ठीक है, गर्म जलधारा पर रेड कलर चलाता हूं, गर्म जलधारा, जहां भी गर्म जलधारा होगा वहां रेड कलर चलाऊंगा मैं, और ठंडी जलधारा को मैं छोड़ दूंगा, गर्म जलधारा को सिर्फ रेड कलर चलाऊंगा। ये सिर्फ गर्म जलधाराओं के लिए, सॉरी, ये तो पेरू करंट है,
यहाँ पे गर्म जलधारा यहाँ चलाना है मेरे को इक्वेटर पे, ठीक है, गर्म जलधारा चला यहाँ पर, चूंकि ये ठंडी है तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। चलो अब यहाँ पे कुछ जलधारा है हमने यहाँ पे बताया, अब थोड़ा सा इंडियन ओशियन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले, इंडियन ओशियन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले। तो देखो ये अब ऑब्वियसली ये क्या होगा, गर्म जलधारा होगा, ऑब्वियसली गर्म जलधारा होगा। और जब यहां से हम लोग बात करते हैं तो मोजाम्बिक और एग्लुहास की धारा आती है, तो यहां पर देखो यहां पे मोजाम्बिक, मैं यहां पर लिखता हूं मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक और अग्लुहास, मोजाम्बिक और अग्लुहास, ठीक है, इस जगह पे पाया जाता है। ये दोनों ही हॉट करेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट के पूर्व में है, तो ये हॉट करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट नहीं होगा। चलिए ठीक है, साउथ अटलांटिक से यहाँ पे बहते हुए और ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ठंडी जलधारा इस तरीके से बहते हुए आगे बढ़ती चलेगी, आगे बढ़ती चलेगी, ये अपने तरीके से बढ़ती चलेगी यहाँ पर इस तरीके से, ये ठंडी है। पैसिफिक में आएगा तो पैसिफिक हो जाएगा, अगर आपको अटलांटिक में आएगा तो अटलांटिक हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इंडियन ओशियन में आएगा तो इंडियन ओशियन में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पैसिफिक हो जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी, इसको लेकर के पॉइंट नहीं है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा, यहाँ पर एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा बनाना जरूरी है, ऐसे करके, ऐसे करके। क्यों वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा बनाना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है तो इसका नाम क्या होगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियन करंट, ये कैसा करंट होगा तो कोल्ड, कैसा करंट होगा कोल्ड। तो ये यहां पर एक सर्कल बन गया, यहां पर ये सर्कल बन गया, यहां पर बन गया, तो ये एक आपका करंट का पॉइंट है। अब इससे ज्यादा करंट को लेकर के आप पहले इसको समझ लीजिए, जैसे जिस कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है उस कॉन्सेप्ट पे सबको परखिए, सारे करंट को परखिए, और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहीं पे टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर के बारे में, कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सी तक होता है। आप अपने कॉपी में टेम्परेचर शब्द लिख लीजिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो -5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सी तक टेम्परेचर होता है ओशियनिक का। लेकिन टेम्परेचर के बारे में पॉइंट क्या है, बिल्कुल वही पॉइंट है, बड़ा सिंपल, इसलिए मैंने एक साथ इसको रखा है। सिंपल पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे क्या बोलते हैं इक्वेटर से और पोल की तरफ जाएंगे आप, समझ गए ना, टेम्परेचर क्या होगा कमेगा। तो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीजेस, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेस, लेकिन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीजेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से। अब मैं आपको मैप पे लेके चलता हूं, ठीक है। देखिए अगर इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। लेकिन जब पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि पोल पर तो ठंडा है, बिल्कुल बर्फ जमा हुआ है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आप आइए तो टेम्परेचर हल्का इंक्रीज होते चले जाएगा, और जब आप इक्वेटर पर आएंगे तो टेम्परेचर आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये यही बात सैलिनिटी के साथ भी होती है, ध्यान रखिएगा। तो सैलिनिटी को मैं भी बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। एक दूसरा दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो ओशियन का होता है वो 20 डिग्री सी ऑलमोस्ट एवरेज टेम्परेचर होता है, लेकिन -5 डिग्री चूंकि पोल पर जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, और अगर आप इक्वेटर पर चलेंगे तो 33 डिग्री तक चला जाता है। तो ऑन एन एवरेज आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 से -5 से 33 डिग्री के आसपास एवरेज टेम्परेचर होता है, किसका ओशियन का। टेम्परेचर वेरिएशन होता है, एवरेज नहीं, टेम्परेचर वेरिएशन होता है। ये एक पॉइंट को थोड़ा सा बड़े आसान तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाइएगा। अब अपने टॉपिक में लिख लीजिए सैलिनिटी, सैलिनिटी लिख लीजिए यानी लवणता। अब जब लवणता की हम बात करते हैं यहां पे तो ध्यान दीजिएगा, लवणता को आप लिख लीजिएगा,
अब जब लवणता की हम बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि सबसे ज्यादा लवण यानी सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पाया जाता है? इक्वेटर पे। तो मैक्सिमम सैलिनिटी इक्वेटर, इक्वेटर में मैक्सिमम सैलिनिटी है। एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो वो होता है 35, ओशियन का एवरेज सैलिनिटी 35। और सैलिनिटी को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, क्योंकि उसको 1000 ग्राम में, जैसे कि हम 100 में अगर किसी चीज को लिखते हैं 35 है तो क्या लिखते हैं 35%। उस तरीके से अगर इसको अगर हम 1000 से तुलना करें तो हम लिखेंगे 35 को 35102, ऐसे 30 के साथ करते हैं। तो सैलिनिटी को हमेशा इस तरीके से डिनोट करता है। तो एवरेज सैलिनिटी क्या है? 35। उसके बाद गहराई यानी कि ओशियन में विथ डेप्थ, जब आप गहराई ओशियन के गहराई में जाएंगे तो सैलिनिटी क्या होगा? सैलिनिटी इंक्रीजेस, यानी कि गहराई में जब आप जाएंगे तो सैलिनिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैक्सिमम सैलिनिटी आपको इक्वेटर के आसपास मिलेगा। ठीक है, सैलिनिटी के बारे में ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 35 वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है तो इसलिए मैंने इसको VVI यहाँ पे कर दिया है। अब पॉइंट यहाँ पर यह कि ये सैलिनिटी क्यों होती है, तो सबसे बड़ी सोर्स जो है ना, बिगेस्ट सोर्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी, बिगेस्ट सोर्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी इज रिवर। और ये क्वेश्चन एग्जाम का है और इस पे बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर रिवर दिया है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी रिवर है, यानी कि समुद्र के सैलिनिटी नमकीन होने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो रिवर है। वर्षा भी है, यानी कि जो वर्षा की पानी होती है वो भी है, और भी सोर्स है, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स क्या है? रिवर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि इस ओशियन में बहुत ज्यादा सैलिनिटी, इसके क्या कारण है? चार ऑप्शन, भूमि, रिवर, वर्षा, ऐसे करके क्या बोलते, बर्फ का पिघलना। तो आप वहां पे लिख सकते हैं रिवर होता है बिगेस्ट सोर्स ऑफ सैलिनिटी। बिगेस्ट सोर्स ऑफ सैलिनिटी क्या होती है? रिवर होती है। चलिए ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ओशियन में सैलिनिटी होती है, ऐसा क्या कारण है? तो किसी भी ओशियन में पाए जाने वाले जितने भी कंपोजिशन होते हैं, यहां पर मैं अगर कंपोजिशन कर दूं ओशियन में, तो सबसे ज्यादा ओशियन में पाए जाने वाले जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि 77.8% होते हैं। सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट होते हैं? 77.8%। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी ओशियन के सैलिनिटी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? नमक, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें और भी है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आ सकता है सैलिनिटी से, वो क्वेश्चन मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, वो ये हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे छोटा थोड़ा सा करते चला जा रहा हूं, कि जो एक समान नमकीन जहां पे एक तरीके की सैलिनिटी हो उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहेलाइन। याद रखिए, आइसो के बारे में मैंने कुछ बात आपको बताया था, जहां पे मैंने आपको कहा था कि जहां पे भी आइसो शब्द आ जाए उसका मतलब होता है इक्वल, और इसे हेलाइन का मतलब क्या होता है? नमकीन, खारा, ठीक है ना, नमकीन या खारा, सैलिनिटी। तो हेलाइन का मतलब सैलिनिटी होता है, नमकीन होता है, आइसो का मतलब इक्वल, यानी कि ऐसा जगह जहां पे एक तरीके की सैलिनिटी हो उस लाइन को आइसो हेलाइन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, आइसो हेलाइन क्या है? एक समान नमकीन होने के जो लाइन को मिलाता है उसको आइसो हेलाइन लाइन कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट सैलिनिटी के बारे में बात कीजिएगा, डेप्थ के साथ सैलिनिटी इंक्रीज होती है, इक्वेटर से इक्वेटर पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है, और ओशियन के सरफेस पे भी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन डेप्थ के साथ सैलिनिटी बढ़ती ही जाती है। उसके बाद सैलिनिटी में सोडियम क्लोराइड एक का घुलना एक बड़ा कारण है जो सैलिनिटी होती है। और ऐसा क्यों होता है? तो रिवर के पानी के कारण, यानी कि रिवर का ओशियन में मिलने के कारण। तो बिगेस्ट सोर्स आपका सैलिनिटी का रिवर है, और आइसोहेलाइन के बारे में बात कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा सैलिनिटी के बारे में बात किया, एवरेज सैलिनिटी 35 है, याद रखिएगा। और
सबसे बड़ा स्लाइन अगर कोई लेक पूछे आपसे स्लाइन सी, तो वो लेक वॉन है जो सबसे ज्यादा सैलिनिटी जिसके पास है, लेक वॉन, लेक वॉन ऑफ टर्की, ठीक है, इसकी सैलिनिटी 330 है। और एक स्लाइन लेक और है जिसका नाम ही है क्या बोलते हैं अमेरिका में, ठीक है ना, सॉल्ट लेक, इसकी सैलिनिटी 240 है, ठीक है, यूएसए का। तो ध्यान रखिएगा सबसे स्लाइन जो लेक है वो क्या है, लेक वॉन है। डेड सी भी स्लाइन लेक है, डेड सी भी क्या है, स्लाइन लेक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सैलिनिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ओशियन करेंट के बारे में बात किया। ओशियन करेंट को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से मिलाइएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट पे इसको जांचने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सारे करेंट मैंने आपको बता दिया, इसको आप लिख लीजिएगा, इतना ही करेंट आपके लिए काफी है। उससे ज्यादा अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई किसी किताब में इससे ज्यादा अगर कोई ओशियनिक करंट मिले तो आपका क्या काम है, उस ओशियनिक करंट को मैप पे ढूंढना और ये देखना कि वो किस डायरेक्शन का है और कॉन्टिनेंट के किस तरफ है। इससे क्या होगा कि आप उसके हॉट होने का और कोल्ड होने का आपको उसको पता चल जाएगा। आप अपने कॉमन सेंस से इसको कीजिए। बात करने वाले हैं इस वीडियो में ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के घास के मैदानों के बारे में बात करेंगे। यहां पे मैप आपके सामने में पीछे लगा हुआ है और हमने ग्रासलैंड को अलग अलग थोड़ा सा कलर आप देख सकते हैं, तो मैंने कुछ कुछ अलग कलर किया है, छोटा छोटा चेंजेज है कलर में, लेकिन हाँ ये कलर कुछ बताती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, तो मैं उसके साथ भी काम करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। देखिए ग्रासलैंड को दो भागों में बांटा जाता है नॉर्मली, ठीक है, दो भागों में नॉर्मली बांटा जाता है ग्रासलैंड को। एक है जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, यहां पर भी टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है ना, यहां पर भी टेम्परेट, यहां पर भी टेम्परेट। और ये है बीच में आपका, चूंकि ये 30 डिग्री एन आपको दिखाई दे रहा है और 30 डिग्री एस, हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री एन और 30 डिग्री एस क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और इसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय, इसके नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है ना। चलिए अब पॉइंट यहां पर ये है कि जब आप बांटेंगे इसको तो किस तरीके से आप अपने कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं। आप अपने कॉपी में लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और ये लिखेंगे कि ये मैदान क्या कहलाता है और उसका लोकेशन क्या है। फिर दूसरा लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और फिर ये मैदान का नाम क्या है और उसका लोकेशन क्या है। चूंकि ये तो लिखा हुआ पॉइंट्स है, लेकिन हम यहाँ पे मैप से आपको दिखलाएंगे, इससे मैप से दिखलाने से क्या होगा कि आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। और मैप का भी आप एक बार काम कर लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि आप जो है ना वर्ल्ड मैप को और भारत के मैप को हमेशा अपने दीवार पे रखिए, और जो भी चीज मैं पढ़ाऊं उसको मैप के साथ जोड़ लीजिए, अपने आप मैप आपका तैयार हो जाएगा। कोई अगर कहता ना कि मैप तैयार कराएंगे, ये फीस लेंगे, मैप तैयार कराएंगे, कुछ नहीं होता है बेटा, मैप ऐप तैयार करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, हालांकि मैं हमेशा से बताते चल रहा हूं, ट्रिक नहीं है ये, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, ज्योग्राफी से है तो और अच्छा तरीके से मैप आपका तैयार हो जाएगा, तो किसी भी सब्जेक्ट से हो आप बस क्या कीजिए, उसको मैप पे ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर कोई खिलाड़ी है, अगर कोई फैशन की चीज है, अगर कोई फिल्म आ रही है, अगर कोई खाने की चीज है, अगर कोई ऐसे स्पेशलिटी जो आप जानना चाहते हैं, अच्छा ये कहाँ है जरा देखें, तो उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए।
तो ये मैप का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अब आप मैप पे ढूंढना शुरू कर दीजिए, तो ये क्या होता है, इससे मैप आपका अपना बनता हुआ चला जाता है और मैप में आप तैयार हो जाते हैं। और फिर वो जो झूठ बोलते हैं कि हम आपको मैप तैयार करा देंगे, कोई भी मैप आपको तैयार नहीं कराएगा, मैप आपको खुद से तैयार करना होता है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही होता है, क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं, मतलब कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब तक आप मैप के साथ रूबरू नहीं होंगे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आंख बंद करके मैप तैयार करा देगा क्या, कि आंख बंद करो सपना में देखो मैप, ऐसा नहीं होता है। आप मैप को देखने से, खुले आंखों से देखने से, अपनी इंफॉर्मेशन को मैप के साथ जोड़ने से तैयार होता है। खैर चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन सा है और वो कहाँ कहाँ है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, मैप पे दिखा रहा हूं, ये लानोस है, लानोस, और यहां पर देखो ये वेनेजुएला है, तो ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला में लानोस है, ठीक है। कोलंबिया भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोलंबिया, तो वेनेजुएला लानोस, वैसे वेनेजुएला कहा जाता है लानोस के लिए। ये कैंपोस है और ये क्षेत्र की क्या है, ब्राजील है। मैं दूसरे कलर से करता हूं, ये ब्राजील है, ये ब्राजील है, ठीक है ना। तो ये कैंपोस है, पंप, ये मैप सिर्फ आपको पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, ये सवाना है, सवाना, सवाना कहां, अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन, मैं इसको ब्लैक कलर से ही करूं तो ज्यादा अच्छा है, अफ्रीकन कंट्रीज, सवाना, अफ्रीकन कंट्रीज, सवाना, ठीक है, हो गया। तो आप लोग क्या क्या देख रहे हैं, लानोस, कैंपोस, सवाना, ये तीनों किसका हो गया, आपको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया। लानोस, कैंपोस, सवाना, सवाना कहां, अफ्रीका में, कैंपोस कहां, ब्राजील में, लानोस कहां, वेनेजुएला में। पॉइंट समझ में आ गया, बस मैंने इसको किया है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं, वो देखिए पैम्पास, ये कहां है, आप देखिए मैप, देखिए ये किसका मैप है, अर्जेंटीना, अर्जेंटाइना, अर्जेंटाइना बोलते हैं, अर्जेंटीना बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते बोलिए प्रोनंसिएशन को लेकर के। तो पंपास कहां है, अर्जेंटीना, ठीक है। वेल्ड, अब ये देखिए वेल्ड कहां है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथ अफ्रीका कंट्री है, तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वेल्ड, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लिख करके जैसा मैंने बताया था उसमें लिखना शुरू करेंगे, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स कहां है, ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या है, न्यूजीलैंड है, और यहां पे कौन सा घास का मैदान है, कैंटरबरी, तो ये कहां है, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो पॉइंट देखिए, यहां पे हमने टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जहां घास के मैदान में क्या क्या बताया, पंपास कहां, अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट कहां, साउथ अफ्रीका, डाउन्स कहां, ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी कहां, न्यूजीलैंड। अब टेम्परेट जोन, चूंकि साधन हेमिस्फीयर का किया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखे, टेम्परेट जोन में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में प्रेरीज, ये कहां, यूएसए, कनाडा, आप देख भी रहे हैं मैप में, मैप भी आपको मैंने बना के दिखाया, देखो यूएसए, कनाडा, ठीक है, प्रेरीज। उसके बाद स्टेपीज, स्टेपी, प्रेरी और स्टेपी बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा है, ये कहां, यूरोप और एशिया, यानी कि यूरेशिया। तो स्टेपी कहां होगा, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप में भी पाया जाएगा और एशिया में भी स्टेपीज, समझ में आ गया ना। तो फिर से बताओ, प्रेरीज कहां, यूएसए और कनाडा, स्टेपीज कहां, यूरोप और एशिया, ठीक है। इसी यूरोप में एक हंगरी कंट्री है, हंगरी, हंगरी नाम सुना होगा, हंगरी का मतलब क्या होता है, भूखा, तो हंगरी एक कंट्री है और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है। तो हंगरी कंट्री है और वहां पे जो घास का मैदान है वो है पुस्ताज, हंगरी जो कंट्री है वहां घास का मैदान है पुस्ताज, ठीक है। यानी कि यहां पे ये समझ लीजिए कि हंगरी यानी भूखा है इसलिए ये पास्ता खा रहा है, ठीक है, भूखा है इसलिए ये पास्ता खा रहा है, पुस्ताज घास का मैदान कहां है, हंगरी,
हंगरी, राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। पुस्ताज खाएगा क्योंकि भूखा है, और बुडापेस्ट बुढ़ा पेस्ट कर रहा है, ब्रश कर रहा है क्योंकि वो भूखा है हंगरी में, पुस्ताज यानी पास्ता खाने के लिए। तो ये पॉइंट आप इस तरीके से, मैंने जानबूझकर कैसा बताया, वैसे ट्रिक का मेरा कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता है। बनाने के लिए तो मैं पूरा दिन बना सकता हूं, लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं। तो आप भी बिलीव नहीं कीजिए, आप मैप देख कर बिलीव कीजिए, मैप देख करके याद कीजिए। ठीक है, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा मैप के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो ये यहाँ पे घास का मैदान हो गया। अब इस घास के मैदान को आप जो यहाँ पे लिखे हैं उस तरीके से आप सजा लीजिए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में मैंने बताया आपको सवाना, कहां बताया मैंने? अफ्रीका में, हो गया। उसके बाद उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मैंने बताया लानोस, कहां बताया मैंने? वेनेजुएला। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मैंने आपको बताया कैंपोस, कहां बताया मैंने? ब्राजील। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मैंने बताया प्रेरिस, कहां बताया था मैंने? कनाडा और यूएसए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? स्टेपीज, कहां बताया मैंने? यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमने बताया कि बुढ़ा पेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको पास्ता खाना है, यानी कि पुस्ताज, कहां? हंगरी। अब आप बोलेंगे सर यूरोप तो हंगरी तो यूरोपियन कंट्री है, तो हंगरी के घास के मैदान को अलग नाम से जाना जाता है, कोई बात नहीं, हम याद कर लिए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया? पंपास, ये कहां? अर्जेंटीना। स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हुआ तो आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया? बेल्ड, ये कहां होता है? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका मत लिखना, साउथ अफ्रीका। अब जब मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे अंदर, मेरे माइंड में मैप घूम रहा है, आपके मन में भी इसी तरीके से घूमना चाहिए। उसके बाद हमने क्या बताया? डाउन्स, ये कहां? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमने आपको क्या बताया? कैंटरबरी, जैसा लगता है किसी चॉकलेट का नाम है ना, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और ये आपके घास का मैदान है, हो गया काम खत्म। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, और शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट। बस, और इसी घास के मैदान को आपको मैप पे देख लेना है, मैंने आपके सामने में लिखा है, इसी घास के मैदान को आपको मैप पे देख लेना है। ठीक है, ऊपर में टुंड्रा है, जो घास का मैदान नहीं है, छोटे 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 टुंड्रा कहाँ पाया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। टुंड्रा जो है ना, जो मैदान होता है, या टुंड्रा जो क्या बोलते हैं, वेजिटेशन होता है, वो हायर एल्टीट्यूड पे, यानी कि या लैटीट्यूड पे, हायर एल्टीट्यूड या लैटीट्यूड, जहां पे बर्फ ही बर्फ हो, एक दो महीने के लिए बर्फ थोड़ी सी हटती है फिर बर्फ ही बर्फ हो जाता है, उस जगह पे टुंड्रा होगा। और ये कहां होता है? नॉर्थ पोल पे, एकदम पोल पे, साउथ पोल पे, एकदम पोल पे, या हिमालय के ऊंची चोटियों पे, यानी कि हिमालय के जो हायर एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, लैटीट्यूड का मतलब अक्षांश होता है, तो हायर एल्टीट्यूड, हायर लैटीट्यूड, ऊंचाई के भी सबसे ऊंचा में और अक्षांश में भी ऊंचे अक्षांश पे, सिंपल। साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे टुंड्रा होगा, जो घास का मैदान होता है वहां पे कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही नाम है। तो इस पॉइंट को आप एक बार देख लीजिएगा। पर्वत और मरुस्थल के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और दोनों के पॉइंट को हम मैप पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कौन सा पर्वत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। उससे पहले हम पर्वतों के प्रकार और उसके बनने के प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। हालांकि ये चीज़ें हम बराबर आपसे बात करते हुए आए हैं, तो चूंकि यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो रिविज़न होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी वादा किया है कि ज्योग्राफी क्लास में आप हमारे यहाँ रिविज़न करके चले जाएंगे, आपको घर पर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से हमारे क्लास को अटेंड कर लीजिए। आप हमेशा, हम आपको ये बात कहते रहे हैं, ठीक है, और आगे भी हम आपको कहते रहेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि हमको विश्वास है कि हम ऐसा करते हैं, इस वजह से आपको
आप तैयार हो जाते हैं मनी मन हमारे क्लास में कि हाँ हम रिवीजन यही हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बात करते हैं माउंटेन के बारे में, तो देखो हमने आपको पहले भी कहा कि माउंटेन के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके बेस पे हम लोग इसको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं, अलग अलग तरीके से बांटते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन में इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे चार तरह के माउंटेन के बारे में बात किया है। उससे पहले दो पॉइंट हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे, वो ये है कि माउंटेन किसे कहते हैं, तो माउंटेन उसे कहते हैं जिसका जो स्लोप हो वो स्टीप हो, खड़ा हो। स्टीप का मतलब होता है खड़ा, स्लोप स्टीप हो बिल्कुल ऐसे समझ लो, और पॉइंट जो हो ना यानी पीक हो वो पॉइंट जैसा हो यानी कि नुकीला हो, ये माउंटेन है। जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है जो कि हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया है। तो स्लोप क्या हो, स्टीप हो, और पीक क्या हो, पॉइंटेड हो, तो वो माउंटेन कहलाता है। माउंटेन जब प्लाटेऊ यानी कि पठार की बात करते हैं तो स्लोप आपका स्टीप नहीं होगा बल्कि स्लोप बिल्कुल आराम होगा, ऊपर में कुछ इस तरीके से यानी कि ऊपर में एक एक तरीके का प्लेन होगा और फिर स्लोप आपका, तो ये पठार है, ठीक है, ये एक तरीके की पठार है, मैं यहां पे ऐसे कर दूं, ये एक तरीके का पठार है, ठीक है। तो पठार ऐसा होगा और पर्वत ऐसे होंगे, ध्यान रखिएगा। तो पर्वत और पठार में हमने अंतर बता दिया, एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो उसको टिक कर लीजिएगा। मैं फिर बार बार कहता हूं चीजों को खूब अच्छे से समझिए, मैं आपको जो समझाता हूं उसको एकदम गौर से अपने कॉपी में आप क्या लिख सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो पूरा बात बता देता हूं, ठीक है। तो ये पठार है और ये क्या है, पर्वत है, दोनों के समझ में आ गया। इसका स्लोप कैसा है, स्टीप है, खड़ा है। इसका स्लोप क्या है, बिल्कुल एकदम आराम से है, इस पर आप आराम से चढ़ सकते हैं। पठार का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे पर्वतों के एग्जाम्पल के बारे में हमने बात किया, पठार का बहुत एग्जाम्पल है, जैसे हमारा तिब्बत का पठार है, जैसे हमारा छोटा नागपुर का पठार है, जैसे हमारा डक्कन प्लाटेऊ है यानी कि दक्षिणी पठार है, जैसे हम पामेर की पठार की बात करते हैं, तो पठार के एग्जांपल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जब ऊंचाई के आधार की बात करें, कहीं कहीं आपको किताबों में मिल जाएगा कि पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पठार, यानी कि पर्वत की ऊंचाई पठार की ऊंचाई से ज्यादा होती है, तो ये पॉइंट कहीं कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि प्लाटेऊ जो पामीर की जो प्लाटेऊ है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, या फिर तिब्बत का जो प्लाटेऊ है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, कोई कोई पर्वत से ज्यादा ऊंचा है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि जो ऊंचाई के आधार पर पर्वत और पठार को बांटते हैं वो कुछ ही हद तक सही होता है, मैक्सिमम मतलब कुछ हद तक वो गलत हो जाता है। तो ऊंचाई के आधार पर आप बांटने की कोशिश कम से कम करें, लेकिन यह भी एक पॉइंट होता है कि जिस ऊंचाई ज्यादा हो, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कम हो, लेकिन ये आधार स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। मैं वीडियो में लिखते हुए बोल रहा हूं अच्छे तरीके से, लेकिन इसके ऊपर में मतैकता नहीं है, इसके ऊपर में क्या बोलते हैं, ज्यादा हम पॉइंट्स को नहीं एग्री कर सकते हैं, लेकिन स्लोप के ऊपर और जो ऊपर में बना हुआ बनावट है पीक और प्लेन, उसके ऊपर में मतैकता है, वो सही है। तो पठार अपने पीक पे, अपने पीक पे प्लेन होगा, और पर्वत अपने पीक पे पॉइंट होगा। बहुत सारी बात कर ली है, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। माउंटेन हूज हाइट इज लेस देन 1000 मीटर इज कॉल्ड हिल्स, यानी कि वैसे माउंटेन जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो वो हिल्स कहलाता है। और बहुत सारे हिल पे हम छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, इस बात को आप समझते हैं। माउंट एवरेस्ट पे छुट्टी मनाने नहीं जाता, माउंट एवरेस्ट पर जाने का मतलब कि हमने वहां पे एक काम किया है, पूरी दुनिया में नाम हो जाता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, लेकिन छुट्टी मनाने आप शिमला जाते हैं, छुट्टी मनाने आप मनाली जाते हैं, तो ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। जो भी माउंटेन का ऊंचाई 1000 मीटर या उससे कम हो तो वो हिल कहलाता है, वो माउंटेन नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन के ऊपर हम लोग को बात करना था। तो देखो सबसे पहला टाइप्स क्या है, सबसे पहला टाइप्स है फोल्ड माउंटेन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत हिंदी में बोलते हैं इसको, बलित पर्वत, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हिंदी, बलित पर्वत। अब इस तरह के माउंटेन का निर्माण कैसा होता है, तो इस तरह के माउंटेन का निर्माण होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है यानी कि इन द कन्वर्जन मोशन, तो जो प्लेटें होती है डेंस प्लेट होती है वो मुड़ जाती है, बेनियोब जोन जहां से मुड़ती है उसको बेनियोब जोन कहते हैं, और जो कम डेंस का प्लेट होता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और एक पीक मुड़ जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, मुड़ती है, टूटती है और वो माउंटेन का निर्माण कर देती है, इसी को फोल्ड माउंटेन कहते हैं।
कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया है। ठीक है, दो प्लेटें टकराने वाली बात हमने आपको कई बार बताया कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो यहां पे कुछ इस तरीके की स्थलाकृतियां बन जाती है। क्यों स्थलाकृतियां ऐसा बन जाती है? क्योंकि प्लेटों में टूट फूट होती है, प्लेटें टूटती है, टूटन होती है, और जब वो टूटन होती है तो इस तरह की स्थलाकृतियां बना रहती है, और ये स्थलाकृतियां क्या कहलाती है? माउंटेन। और चूंकि ये फोल्ड है तो इसको क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। तो कैसे हुआ ये समझ लो कि प्लेट है एक और ये भी एक प्लेट है, तो ये इसको यूरेशियन प्लेट मान लो, यूरेशियन प्लेट, और इसको इंडियन प्लेट मान लो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंडियन प्लेट मान लो। तो ये यहां पर देखो, ठीक है ना, तो इस तरीके से, और ये सबड्यू होगा यानी कि बेनियोब जोन होगा, और यहां पर क्या बन जाएगा बीच में, इस जगह पे बीच में क्या बन जाएगा? ट्रेंच। इस जगह क्या बन जाएगा? ट्रेंच, ट्रेंच यानी कि गड्ढा, और उसी गड्ढे में नदियों के द्वारा लाई गई सेडिमेंट से जमा करके लाखों वर्षों में भारत का, उत्तर भारत का मैदान बना दिया गया है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल का पूरा मैदानी इलाका है। तो ये ट्रेंच बन गया, और ये हर जगह होता है, जहां भी दो प्लेटें टकराएंगे एक तरफ पर्वत का निर्माण होगा, दूसरी तरफ ट्रेंच का निर्माण होगा, ये हर जगह होगा जहां सबड्यू होगा, जिसको बेनियोब जोन कहा, जहां पे नीचे की तरफ जाएंगे उस जगह पे ट्रेंच का निर्माण होगा ही होगा, इसका कोई मतलब है ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फोल्ड माउंटेन के बारे में हमने बात कर दिया, और फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, एटलस, ये फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है, ये फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल। चलिए, ब्लॉक माउंटेन ये क्या होता है उसको भी समझाते हैं। देखो, ये फोल्ड माउंटेन हो गया, मैंने लिख दिया, अब ब्लॉक माउंटेन को आपको मैं समझाता हूं। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि मान के चलो कि ये एक इस तरीके से पॉइंट है, एक प्लेन है, और इसमें क्या हुआ कि एक टूटन हो गया, यानी कि यहां से टूट गया है, इसको मैं यहां कर दूं, टूट गया है, तो टूटा तो कैसे हो गया, इस तरीके से टूट गया, तो ये टूट के नीचे की तरफ धस गया, यानी कि ये पॉइंट है एक ऐसा, और यहां से टूट गया, यानी कि यहां से टूटा और नीचे की तरफ धस गया, तो ये धस गया, इसको भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली कहलाता है, ये रिफ्ट वैली क्या कहलाता है, रिफ्ट वैली, और ये जो इलाका है, अब चूंकि यहां से आप देखेंगे तो ये माउंटेन की तरह नजर आएगा, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का हमारे यहां एग्जांपल है सतपुरा, हमारे एग्जांपल कौन है, सतपुरा, और सतपुरा के दोनों तरफ ट्रेंच बन जाएगा, मतलब क्या है कि अगर ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल हमने सतपुरा कहा तो इसका मतलब सतपुरा के दोनों तरफ ट्रेंच रिफ्ट होगा, सिंपल बात है, मैंने कहा ना कि ये नीचे की तरफ धस जाती है तो भ्रंश बन जाता है, ये बात मिला ना मैं, तो ये बात अगर मैंने बोला है तो इसका मतलब है कि सतपुरा के दोनों तरफ भ्रंश बना हुआ होगा, रिफ्ट बना हुआ होगा, और वो है क्योंकि सतपुरा के एक तरफ से, मैं हरा कलर कर दूं, एक तरफ से नर्मदा बहती है रिफ्ट वैली में, आप यहां पे नर्मदा के बारे में सुना होगा कि नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, और दूसरी तरफ से तापी बहती है रिफ्ट वैली में, समझ में आ गया, तो सतपुरा के दोनों तरफ रिफ्ट है, एक तरफ से नर्मदा, एक तरफ से तापी बहती है, और सतपुरा ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, सतपुरा, समझ में आ गया ना। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, एक प्लेन में एक समतल मैदान को किसी भी प्रकार से नीचे धस जाने से, और नीचे धसने के बाद जो माउंटेन सा दिखाई पड़ता है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये ब्लॉक माउंटेन था, और ऊपर में हमने क्या बताया था, फोल्ड माउंटेन, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो गया। अब ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल कौन सा है, सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, सॉल्ट रेंज कहां है, पाकिस्तान में, ब्लैक फॉरेस्ट कहां है, जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है, सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में, ध्यान को समझिएगा, सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है, सियरा नेवादा है, चलिए, रेसिड्यू, सियरा नेवादा यूएसए में है, इसके बारे में बात करेंगे। रेसिड्यूअल माउंटेन या रेलिक्ट माउंटेन, रेलिक्ट या रेसिड्यूअल, इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत हिंदी में, इसको बोलते हैं बलित पर्वत, ये ब्लॉक को ब्लॉक ही लिखेंगे, और इसको लिखिएगा अवशिष्ट पर्वत, मैं लिख देता हूं अवशिष्ट,
अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या है कि पर्वत का ऐसा श्रृंखला या ऐसा पर्वत जो बहुत पुराना हो, जैसे हमारे यहाँ का अरावली बहुत पुराना हो और समय के साथ वर्षा के कारण, हवा के कारण उसमें डिग्रेशन हो। डिग्रेशन का मतलब क्या, टूट फूट हो, इरोजन हो, और इरोजन अपरदन हो, यानी कि कोई माउंटेन रेंज बहुत ज्यादा पुराना है और समय के साथ उसमें अपरदन की प्रक्रिया हो और अपरदन की प्रक्रिया के कारण न केवल उसकी ऊंचाई बल्कि उसकी चौड़ाई में भी कमी आ जाए समय के साथ, तो वो अपरदित माउंटेन कहलाता है, अवशिष्ट माउंटेन कहलाता है, क्योंकि वो बचा खुचा। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, बचा खुचा। तो अरावली क्या है, बचा खुचा यानी कि अरावली अपने जिस समय निर्माण हुआ था उस समय एक यंग माउंटेन था और काफी पुराना है अरावली। कहते हैं कि अरावली पृथ्वी के निर्माण के समय अरावली का निर्माण हुआ था, तो इतना पुराना, आप 4.5 अरब वर्ष पुराना अरावली है मान के चले, क्योंकि पृथ्वी का 4.5 अरब वर्ष है। तो अगर 4.5 अरब वर्ष पुराना अरावली है और अरावली में समय के साथ डिग्रेशन हुआ है, अपरदन हुआ है, इरोजन हुआ है, उसके ऊंचाई में भी, उसके चौड़ाई में भी, तो अरावली अपने जो ओरिजिनल साइज है उससे बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो अभी जो हमारे सामने बचा हुआ है वो अवशिष्ट है, बचा खुचा है, इसलिए उसको अवशिष्ट माउंटेन कहते हैं। और अवशिष्ट माउंटेन का एग्जांपल हमारे यहाँ कौन सा, अरावली है, विंध्यन है, ये सारे अवशिष्ट माउंटेन के एग्जांपल है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया में जो सबसे पुराने माउंटेन रेंज है उनमें से एक अरावली भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, समझ में आ गया, बचा खुचा पर्वत, बचा खुचा, कैसे बचेगा, इरोजन के कारण जो बचा। इरोजन कैसे हुआ, हवाओं से, वर्षा से, इससे इरोजन हुआ, ठीक है, वर्षा, हवा, धूप, ये सब इरोजनल के फैक्टर होते हैं। अब अपरदन के कारक क्या क्या होते हैं, नदियां, हवाएं, बारिश, धूप, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर, दीज आर द फैक्टर ऑफ इरोजन, ठीक है, फैक्टर ऑफ इरोजन। मैं इस पॉइंट को लिख ही देता हूं, कहीं हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ दे, फैक्टर्स ऑफ इरोजन, कौन कौन सा फैक्टर्स ऑफ इरोजन है, रिवर्स, रेनफॉल, रेन, विंड, हवाएं, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वायुदाब, हालांकि विंड में आ गया, प्रेशर, ठीक है, और ये दीज आर द फैक्टर ऑफ क्या, इरोजन, यानी अपरदन के कारक, अपरदन कारक, अपरदन के कारक, नदियां, वर्षा, हवाएं, तापमान और दाब, ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अगला है वोल्केनिक माउंटेन या एक्यूमुलेटेड माउंटेन, नाम से समझ में आ रहा होगा, वोल्केनो से जो माउंटेन का निर्माण हुआ उसे वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि वोल्केनिक इरुप्शन। अब यहां पे मैं भी आपको बता देता हूं, ठीक है, चलो यहां पे देख लो, मान के चलो कि ये एक ऐसा एरिया है, यहां से वोल्केनिक इरुप्शन हो रहा है, यहां से वोल्केनिक इरुप्शन लगातार हो रहा है, ठीक है, मैं यहां पे करता हूं, यहां पे वोल्केनिक इरुप्शन लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है वोल्केनिक इरुप्शन, लगातार हो रहा है वोल्केनिक इरुप्शन, ठीक है, एकदम होते जा रहा है लगातार वोल्केनिक इरुप्शन हो रहा है, ठीक है, और ये जमता चला जा रहा है, वोल्केनिक इरुप्शन होते के साथ साथ क्या हो रहा है, जमता चला जा रहा है, यानी कि सॉलिड होते जा रहा है, जमता जा रहा है, ठंडा होकर के सॉलिड होते चला जा रहा है, तो सॉलिड होते हुए चला जा रहा है, तो एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि एक जगह जमा होते चला जा रहा है और ठंडा भी होते चला जा रहा है, तो इससे माउंटेन का निर्माण कर दिया गया है। कोटोपैक्सी इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनिक माउंटेन है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। तो ध्यान रखिए, अभी वोल्केनो में मैंने आपको पढ़ाया था कोटोपैक्सी इक्वाडोर, तो वोल्केनिक इरुप्शन से जो माउंटेन का निर्माण हुआ वो वोल्केनिक माउंटेन है, क्योंकि वोल्केनिक इरुप्शन होता है, लावा मैग्मा बाहर निकलती है, जमा होती है, फिर होता है, फिर लावा मैग्मा बाहर निकलती है, जमा होती है, फिर होता है, और वो धीरे धीरे जमा होते होते परत होते काफी ऊंचा हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, और ये चूंकि एक्यूमुलेटेड है, क्योंकि धीरे धीरे एक जगह जमा होते हुए जा रहा है, तो इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहते हैं, और चूंकि वोल्केनो से बनाते हैं इसलिए इसको वोल्केनिक माउंटेन भी कहते हैं। तो एक्यूमुलेटेड माउंटेन या वोल्केनिक को भी आए आपको परेशानी नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, तो कोटोपैक्सी वोल्केनिक माउंटेन है या एक्यूमुलेटेड माउंटेन है, ठीक है ना,
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हमने क्या क्या लिखा है। एक्यूमुलेटेड माउंटेन में फ्यूजीयामा, कोटोपैक्सी, दीज आर द एक्यूमुलेटेड माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। तो माउंटेन के टाइप्स आपने समझ लिया, सारे टाइप्स को मैंने यहाँ पे बनाया भी है, जो कि आप यहाँ पे दिखाई, फिर से एक बार दिखाई दूं मैं आपको छोटा करके, ठीक है, सारे टाइप्स को मैंने बनाया भी है, देख लो। ये हो गया आपका फोल्ड माउंटेन का टाइप्स जो हमने आपको बनाया, ये हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन, यहाँ पे है ना फोल्ड माउंटेन, यहाँ पे है ना ब्लॉक माउंटेन, और ये हो गया आपका वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक एंड एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड माउंटेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं माउंटेन में। देखिए माउंटेन के कुछ कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं कि कौन कौन सा माउंटेन है, उसको लेकर के कहाँ है वो लोकेशन, और उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट हो तो स्पेशल पॉइंट, ये बात हमने यहाँ पे बनाया है माउंटेन को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एंडीज, एंडीज माउंटेन जो कि दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लोकेशन है साउथ अमेरिका, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, साउथ अमेरिका, हाईएस्ट पॉइंट इसका है एकोंगुआ जो कि अर्जेंटीना में है। तो यहां से क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट का भी आया है, और ये लोकेशन से भी आया है, और सबसे लंबा माउंटेन के रूप में है, यानी कि ये तीनों एग्जाम का क्वेश्चन बना है, तो ये तीनों वीवीआई है, तीनों वीवीआई है, ठीक है। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, सबसे लंबा माउंटेन रेंज है एकोंगुआ, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। रॉकीज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहां से भी आया है, कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एलवर्ट, नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट पॉइंट माउंट एलवर्ट है, चूंकि सबसे बड़ा एंडीज है तो रॉकीज तो दूसरा नंबर का है, तो इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। एल्प्स कहाँ है, सेंट्रल यूरोप, खास करके इटली के ऊपर में, इटली के ठीक ऊपर में, इटली और भारत में सिमिलैरिटी है, भारत के ठीक नॉर्थ में हिमालय है और इटली के ठीक नॉर्थ में एल्प्स है, ठीक है। तो एल्प्स या एल्प्स, एल्पस जो भी बोलते हैं, लोकेशन सेंट्रल यूरोप है, इटली आप बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट इसका माउंट ब्लैंक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है माउंट ब्लैंक को लेकर के, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट है एल्प्स का, ठीक है। हिमालय, हिमालय का लोकेशन क्या है, साउथ सेंट्रल एशिया, मैंने इंडिया नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे आपको पॉइंट, पाकिस्तान, या सारे पॉइंट आपको लिखना होता अगर हम हिमालय के बारे में लिखते, तो साउथ सेंट्रल एशिया मैंने कर दिया है। और वैसे भी आप अगर सही तरीके से बात करें ज्योग्राफिकली, तो साउथ सेंट्रल एशिया में ही हिमालय पड़ता है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है, ये सबसे लंबा माउंटेन रेंज है एंडीज, और हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है, और हिमालय का सबसे ऊंची पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जानते हैं नेपाल में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ माउंटेन रेंज का, यहाँ पे देखिएगा लोकेशन के साथ हम लोग बात करें, तियानशान कहाँ है, साउथ सेंट्रल एशिया, खास करके चाइना, चाइना यहाँ पे लिख दिया है, एक आध देश और पढ़ते हैं मंगोलिया वगैरह इसमें, लेकिन चाइना पॉइंट है, ठीक है। यूराल रसिया में, रसिया को दो भागों में बांटता है यूराल, और मतलब दो भागों में बांटता है, कहते हैं कि यूराल से पश्चिम वेस्ट में जो रसिया है वो वेस्टर्न है, यानी कि यूरोप का पार्ट है, और यूराल के पूर्व में जो रसिया है वो एशिया का पार्ट है, इसलिए रसिया को यूरेशिया का पार्ट कहा जाता है, यूरेशिया, क्योंकि रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है, और एशिया में तो रसिया सबसे ज्यादा है, ठीक है। हम मैप पे आपको दिखाएंगे यूराल, अभी तुरंत दिखाएंगे, ठीक है। कमचटका रसिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा है, कब सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है वीवीआई, बहुत बार पूछा है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्ट में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ना दुनिया में यहाँ इसका यहाँ पर ध्यान लोग घूमने के लिए जाते हैं, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखने के लिए, घूमने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में 2013 में एटलस के बारे में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका मैंने लिखा है, लेकिन अगर एक देश का नाम लिखना चाहो तो मोरक्को, मोरक्को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोरक्को नहीं है, मोरक्को के साथ और भी देश है जो कि एटलस माउंटेन के में कवर आता है, लेकिन मोरक्को यहाँ पे, इब्न बतूता मोरक्को से ही आया था। जैगरोज ईरान में है, जैगरोज, ड्रैकेंसबर्ग साउथ ईस्ट अफ्रीका, ड्रैकेंसबर्ग साउथ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। कॉकस रसिया में है, कॉकस, कॉकस से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, कॉकस रसिया में है, बिल्कुल रसिया के वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है ना। कैस्केड यूएसए कनाडा में है, यूएसए कनाडा में कैस्केड, एल्पेशियन एप्लेशियन स्टर्न यूएसए और कनाडा में है, और बैटरलेगा यानी कि बैटरलेगला, ठीक है, श्रीलंका में है, दैट इज कॉल्ड बाइबल रॉक,
ठीक है, बाइबल रॉक कहा जाता है इसके, बाइबल रॉक कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, रिसेंटली पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये कुछ माउंटेन रेंज हमने यहाँ पे आपसे बात किया है, और भी माउंटेन रेंज है बहुत सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जब हम आपको बना रहे थे इस पीपीटी को, तो मेरे मन में जो जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, जो मेरे को बिल्कुल याद आ रहा था कि मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर जो क्वेश्चन नहीं भी आए हैं और इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से नाम आते रहता है उसका, तो उसका भी नाम हम यहाँ पे डाले हैं। अब देखते हैं इस इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज को हम, ठीक है, मैप पे जब हम देखते हैं, मैप पे जब हम देखते हैं, तो आप इसको बड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, मैप पे सारे माउंटेन रेंज को बड़ा गौर से देखिएगा। मैं यहां पे कलर चेंज कर लूं, ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं कहां से ऊपर से चलता हूं, है ना, यानी कि अमेरिका से शुरू करता हूं, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे माउंटेन रेंज को हमने लिया है। तो देखो ये है रॉकी, आपने जो कॉपी में लिखा है उससे मिलाइए, ठीक है, आपने जो कॉपी में भी लिखा है ना, जब मैं बता रहा था, तो उसे मिलाइए। ये है रॉकी, मैंने बताया था ये है एप्लेसियन माउंटेन, ठीक है, एप्लेसियन माउंटेन, ठीक है, मैं आपको दिखाते चलता हूं। ये है एंडीज, एंडीज सबसे लंबा माउंटेन इन द वर्ल्ड, एंडीज, ठीक है। अगर इसके देशों के बारे में जाने, तो देखो रॉकी माउंटेन का तो आप देख रहे हैं कनाडा है यहां पे, और यहां पे यूएसए है, ठीक है, यहां पे मैक्सिको है, तो ये रॉकी माउंटेन का रेंज है, ठीक है। यहां पे एंडीज के बारे में देखो, ये पेरू है, बोलीविया है, यहाँ पे चिली है, अर्जेंटीना है, तो ये यहाँ पे देश है इसके बारे में। एटलस, देखो एटलस कहाँ है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, एटलस, मोरक्को भी यही है, और भी देश है यहाँ पे, ठीक है, एटलस। उसके बाद हमने बताया ड्रेकेंसबर्ग, देखो यहाँ बिल्कुल साउथ अफ्रीका, अफ्रीका साउथ, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है ना एटलस का, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे देखो साउथ ईस्ट अफ्रीका, ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट को बताते चलता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा होगा वही बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये है यूराल, देखो ये यूराल है जो कि हमने आपको बताया, और यूराल से इधर देखो रसिया कहाँ तक है, ये पूरा साइबेरिया वगैरह सब रसिया में है जो कि एशिया का पार्ट है, और यूराल से इस तरफ जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये रसिया का है, ये रसिया का है, लेकिन ये यूरोप में पड़ता है, रसिया अपने को यूरोपियन कंट्री कहता है सिर्फ इतने ही पॉइंट के कारण, सिर्फ इतना ही पॉइंट के कारण, ठीक है, बहुत बड़ा भाग एशिया में है रसिया का। चलिए जैगरोज ईरान, जैगरोज ईरान, ठीक है, हिमालय, हिमालय भारत, भारत नहीं मतलब सेंट्रल साउथ सेंट्रल एशिया, टेंशन साउथ सेंट्रल एशिया, मैंने कहा था कि चाइना मंगोलिया आप जरूर करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा था कि यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे जो भी माउंटेन मैंने आपको बताया था उसमें से है। अब कुछ माउंटेन शायद मैं आपको वहां पे नहीं लिखा, या कुछ माउंटेन जो वहां पे लिखा है यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, आपका पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है कि अब जो भी माउंटेन आपको वहां लिखा है और यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, उसको आप ढूंढिए मैप पे, कहा है मैप पे ढूंढिए, इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, इससे क्या होगा कि आप मैप के साथ तो घुल मिल जाएंगे, मैप आपका अपना हो जाएगा। होमवर्क कुछ चाहिए, आप होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। वैसे मैं बताने के लिए बता सकता हूँ कि कैस्केड कहाँ है, जो कि मैं आपको कैस्केड बताने जा रहा था, लेकिन कैस्केड कहाँ है और क्या बोलते हैं इस जगह पे कैस्केड, और वहाँ पे सियरा नेवादा कहाँ है, या फिर हम आपको और भी चीज़ें बताने वाले थे एक्स्ट्रा, लेकिन आप बस ढूंढिए कुछ चीज़ों को, ढूंढिए जो वहाँ पे हम आपको नहीं बताए हैं उसको, ठीक है। चलिए तो ये माउंटेन रेंज के बारे में बात हम लोगों ने कर लिया, माउंटेन के बारे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे ये सारे माउंटेन के बारे में बात किया है, ठीक है। जैगरोज वगैरह डायरेक्शन पर, कॉकस में आपको बताने वाला था, कैस्केड में बताने वाला था, ठीक है। चलिए आगे माउंटेन रेंज के बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात करते हैं डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट। अच्छा एक पॉइंट और होमवर्क आपको हम बताते हैं, होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क ये है कि डेजर्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ और आप इसको मैप पे ढूंढे, है ना, तो मैप पे इसको डिनोट करे, आइडेंटिफाई करे, तो आइडेंटिफाई ओवर मैप,
आप इसको मैप पे आइडेंटिफाई करें, आपको मैप पे आइडेंटिफाई करेंगे तभी आपका अपना ये बन पाएगा। ठीक है, मैप पे जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी ये आपका अपना बन पाएगा, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे। और एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, और आइडेंटिफाई नहीं किया तो भूल जाएंगे। उसी तरीके से पर्वत को अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो कभी नहीं भूलेंगे, और अगर नहीं आइडेंटिफाई किया तो भूल जाएंगे। इस बात को ध्यान में आप हमेशा रखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट है वो। सहारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले, नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है सहारा, नॉर्थ अफ्रीका में। गोबी मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बीबीआई है, ये भी बीबीआई है। ठीक है, गोबी मंगोलिया और चाइना में, गोबी डिजर्ट। कालाहारी, कालाहारी बोत्सवाना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कालाहारी के बारे में, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। टकला मकान, टकला मकान बोलते हैं इसको, टकला मकान नहीं चाइना, टकला मकान चाइना। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। आटाकमा, आटा कम गया, आटा कम गया कहाँ, चिली में, यानी कि मिर्ची के कारण आटा कम गया, तो आटा कमा चिली। पैटागोनिया अर्जेंटीना, मैं कोई आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आटा कम गया मिर्ची में, आटा कमा चिली नहीं, इसको ट्रिक मत समझिए, मैं बस आपको एक एक तरीके की फन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कोई, ये आपको ढूंढना है। मैप आपको, मैप के साथ जाइएगा तो आपको ट्रिक विधि कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। ट्रिक विधि कोई ऐसा चीज नहीं होता, उसको ट्रिक के कारण आपका और सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, कैजालकुम उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दस्तलूट ईरान, दस्तलूट दस्ते कबीर, अब दो दस्त है तो यहाँ पे दोनों, दस्तलूट दस्ते कबीर, ईरान में दस्त, अब देखो ट्रिक बन जाता है, लेकिन मैं ट्रिक के पीछे जाता ना हूं। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया से क्वेश्चन कई बार पूछा है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, बार्टन ऑस्ट्रेलिया, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मोजावे यूएसए, सेंचुरा यूएसए, सियरा नेवादा यूएसए, सोनोरान यूएसए और मैक्सिको, ये सारे के सारे क्या है, मेजर डेजर्ट है, जिसमें से इस तरफ जो डेजर्ट मैंने लिखा है ये सारे डेजर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरफ के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग नाम सुना हो, सहारा का नाम तो हर कोई जानता है, गोबी कलारी टकला मकान काराकुम आटाकम पैटागोनिया, पैटागोनिया बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका डेजर्ट है। पॉइंट यहां पर क्या है नोट करने लायक, वो मैं बताता हूं, आप इसको होमवर्क के रूप में मैप पे देखेंगे, नहीं तो आपको याद नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करने वाले हैं जल डमरू मध्य के बारे में, यानी स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। यहां से इंपॉर्टेंटली एग्जाम का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर देखना चाहेंगे कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि स्ट्रेट एक ऐसा जल डमरू मध्य, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो, यहां पे देखिएगा, टू डिफरेंट वाटर बॉडीज सेपरेट टू लैंड मासेस। ठीक है, ज्वाइन टू डिफरेंट वाटर बॉडीज मिलते हैं और दो लैंड मास अलग होते हैं। एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं, जैसे देखो ये है आपका, ठीक है, ये आपका इंग्लैंड है, क्या है, इंग्लैंड है, और यहां से निकलती है इंग्लिश चैनल। ठीक है, यहां से क्या निकलती है, इंग्लिश चैनल, और यहां पे है आपका क्या, फ्रांस, यहां पे क्या है, फ्रांस है। तो अब ये देखो दो क्या बोलते हैं लैंड मास को क्या किया, सेपरेट किया, और दो वाटर बॉडीज को जोड़ा, दो वाटर बॉडीज को, जैसा कि यहां पे देख लीजिए एग्जांपल डोवर का स्ट्रेट है, डोवर का स्ट्रेट जो हम बनाया एग्जांपल डोवर स्ट्रेट है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को, लोकेशन इंग्लैंड और फ्रांस, इसी एग्जांपल को लिया हूं। तो ये क्या है, इंग्लिश चैनल है, और यहां पे है नॉर्थ सी, ये है नॉर्थ सी। ठीक है, तो ये जो जगह है यहां पे, ये डोवर जल संधि है जो कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को क्या करती है, जोड़ती है, तो डोवर जल संधि। तो दो वाटर बॉडी को, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ दी, और इंग्लैंड और फ्रांस को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, जैसा कि हमने डोवर के बारे में बताया। तो स्ट्रेट क्या होता है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और दो लैंड मास को अलग करती है, दो लैंड मास को अलग कर लिया, दो वाटर बॉडीज को क्या किया, जोड़ दिया, पॉइंट यहां पे सिंपल। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि दुनिया में जो अलग अलग स्ट्रेट पाए जाते हैं, हम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट का लिस्ट यहां पे बनाया है, इसको हम आपको बताते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कलर से मैंने किया हुआ है, जो यहां पे येलो टाइप का कलर है या येलो कलर है उसको वहां पे स्ट्रेट का नाम है, जो आपने यहां पे व्हाइट कलर देखा है ये दरअसल जो वाटर बॉडीज जिसको कनेक्ट करती है तो वाटर बॉडीज है, और जो रेड कलर में है जहां पे जो लैंड मास को अलग करती है वो लैंड मास है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट का नाम, वाटर बॉडीज बीच वाला, और लैंड मास। तो आप अपने कॉपी में जब आप लिखेंगे तो यहां पे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, स्ट्रेट
स्ट्रेट हो गया, यहां पे क्या है वाटर बॉडीज हो गया, और यहां पे आप क्या लिखेंगे लैंड मास यानी कि जमीन, ठीक है। तो लोकेशन जिसको आप लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, लोकेशन लिख लो और इस तरीके से करके आप उसको लिखिएगा। एक एक करके बात करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट हमने ऐड किया, बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट हमने ऐड किया जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी ना कभी, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में कभी क्वेश्चन में नहीं आया है, इस वजह से हम बात कर रहे हैं। मलक्का वेरी इंपॉर्टेंट, मलक्का कहाँ है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी, अंडमान सागर। अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको शुरू करूँ उससे पहले आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क, हमने पीछे एक होमवर्क दिया था ना, अभी हम आपको एक होमवर्क देते हैं। क्या होमवर्क, इस जितने भी वाटर बॉडीज है इसको आइडेंटिफाई करें ओवर मैप, आइडेंटिफाई ओवर मैप। आप एक वर्ल्ड मैप, ब्लैंक वर्ल्ड मैप ले लीजिए, मैप ले लीजिए वर्ल्ड, ब्लैंक वर्ल्ड मैप 2-4-5 रुपए में मिलेंगे, 5-10 रुपए का प्रवाह नहीं करो पढ़ने में, समझ गया ना, याद रखिएगा। वहां पे कुलचे छोले और ये पता नहीं क्या क्या खा लेते हो, भटूरे भटूरे ये वो, 5-10 रुपए के बारे में सोचना नहीं। एक मैप ले लो नेट से, कहीं से भी आप इस सारे को सर्च करो, ठीक है, और मैप पे खुद से स्केच करो कि यहाँ पर ये यहाँ पर, और उस मैप को दीवार में चिपका दो, थोड़ा सा बड़ा मैप कर लो और उसको दीवार में चिपका दो। अगर मैप छोटा है तो फोटोकॉपी वाला के पास जाकर के उसका बड़ा बनावा लो और उसको दीवार में चिपका लो, या फिर अगर आपके पास पहले से मैप है, जो कि मैंने आपको पहले कहा कि वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल, भारत का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों आपके पास होना चाहिए, तो अगर पहले से मैप है तो एक मार्कर लो, मिटने वाला मार्कर लेना, परमानेंट मार्कर मन नहीं लेना, ठीक है। मार्कर जिसे टीचर लिखते हैं आपको पता है 20-25 रुपए में मिल जाएंगे, उस मार्कर को लीजिए और मार्कर से वहां पे मार्किंग कर दीजिए, मार्कर से मार्किंग कर दीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं प्लास्टिक वाला लिया तो मिटने वाला मिट जाएगा, अगर मैं कागज का लिया तो नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, नहीं मिटेगा तो ध्यान तो रहेगा कि यहाँ पर ये जल डब्लूमध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये सब करने के तरीके होते हैं, सबको कीजिए, कितना मैप को गंदा करो, कॉपियों को गंदा करो, अपने एटलस अगर खरीद लिया उसको गंदा करो, नहीं करोगे गंदा। अब गंदा करने का मतलब घसने का मत घस देना कि लो घसो, अरे गंदा करने का मतलब यह है कि उसको पढ़ो, उसको जानो, समझ गए, जितना आप उसके साथ रहोगे उतना वो सीखेगा। एक घंटा तो ये मांगते हैं कि एक घंटा आप कीजिए ना इन सब चीजों को, एक घंटा पूरे 24 घंटे में एक घंटा सिर्फ जीएस के लिए, बाकी मैथ इंग्लिश रीजनिंग के लिए आप दे दीजिए, ठीक है, जितना आपको देना है। चलो ठीक है, मलक्का अंडमान सी और साउथ चाइना सी, कहाँ है लोकेशन, इंडोनेशिया मलेशिया, और लोकेशन मैंने इंडोनेशिया मलेशिया कर दिया तो आप एकदम सीधे चले आइए भारत के नीचे, इंडोनेशिया मलेशिया हिंद महासागर में है, एकदम ठीक नीचे मैप पे। मैं आपको लोकेशन ही बताते चल रहा हूँ, लिखा हूँ ना इंडोनेशिया मलेशिया। चलिए पाक स्ट्रेट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा पाक स्ट्रेट, कहाँ पाक बे और बे ऑफ बंगाल, अब पाक बे और बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ये बात ध्यान में आपको जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो ठीक चले आइए भारत और श्रीलंका के ठीक नीचे चले आइए, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट ऑफ हिंद महासागर का सुंडा ट्रेंच भी है, ठीक है। तो सुंडा कहाँ है, जावासी और इंडोनेशिया, अब जावा इंडियन सी सॉरी, तो जावासी की जब बात आती थी जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया आप जाकर के सर्च कीजिए, ठीक है, जावा सुमात्रा के बीच में, जावा सुमात्रा दो द्वीप है, एक जावा है एक सुमात्रा है वो, ठीक है। चलिए बॉब अल मंडेव स्ट्रेट कहां है, रेड सी और गल्फ ऑफ अडन, रेड सी लाल सागर से याद आता है स्वेज नहर, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में कौन है, स्वेज नहर, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, लाल सागर भूमध्य सागर, ये एग्जाम का क्वेश्चन अपने कॉपी में अभी लिख लीजिए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर, ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, तो गल्फ ऑफ अडन है रेड सी, अब रेड सी और गल्फ ऑफ अडन आ गया तो हम कहां चले जाएंगे, अरबियन कंट्रीज में, यमन देखो, यमन और डिजिबिली, अब यमन है अरबियन कंट्री और डिजिबिली जो है ना वो क्या है, वो है अफ्रीकन कंट्री, तो यमन हो गया। चलिए कुक स्ट्रेट कहाँ है, साउथ पैसिफिक ओशियन, अब जब हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो सीधे चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर आप अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, वेस्टर्न अमेरिका की तरफ, ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड दो भागों में बटा हुआ है, साउथ न्यूजीलैंड और नॉर्थ न्यूजीलैंड दो भागों में बटा है ना इस तरीके से न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, दोनों द्वीप के बीच में कुक स्ट्रेट है, न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, आप देखेंगे बड़े गौर से उसके बीच में कुक स्ट्रेट है, ठीक है। चलो आगे, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग
बेरिंग स्ट्रेट, जब हम आपको लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहे थे वहां पे हमने आपको बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी के बारे में बताया था, बेरिंग के बारे में बताया था। ये कहां है? बेरिंग सी और चुकसी सी रशिया में, ठीक है, अलास्का और रशिया के बीच में। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। अलास्का यूएसए का पार्ट है और रशिया तो रशिया ही है, ठीक है। अलास्का यूएसए के बीच में यहीं से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरती है, जिसको हम इंटरनेशनल डेट तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये बात हमने आपको लॉन्गिट्यूड में बताया है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन और बैफिन बे समझते हैं तो अटलांटिक महासागर की तरफ चले जाते हैं। और ये कहां है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड के ठीक बगल में, सॉरी कनाडा के ठीक बगल में ग्रीनलैंड है। आप देखेंगे जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा एग्जाम में बिगेस्ट आइलैंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड दैट इज ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में क्या है? बैफिन बे है। जो बात मैं छोटी छोटी बताते चलता हूं, वो क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे, बिना लिखे हुए कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन बताते चलता हूं। डोवर स्ट्रेट, अब इसके बारे में तो हमने अभी चर्चा कर ही लिया, डोवर स्ट्रेट के बारे में, कहां? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में। लोकेशन कहां है? इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी। हमेशा नेपोलियन कहा करता था, जो फ्रांस का नेपोलियन था, वो हमेशा कहा करता था कोई हमको इंग्लिश चैनल से पार करवा दे, इंग्लिश चैनल अगर हम पार कर गए तो इस दुनिया के नक्शे से इंग्लैंड को मिटा देंगे। तो नेपोलियन पॉइंट यहां पर कहना चाहता था। अब ऐसा क्यों कहना चाहता था? क्योंकि नेपोलियन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, किसमें? समुद्री सेना में, जिसमें कि महारत हासिल था इंग्लैंड को, तो इस वजह से वो इंग्लिश चैनल पार नहीं कर पाता था, क्योंकि इंग्लैंड अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट किए हुए था अपने महारत हासिल सैनिकों के द्वारा, जिसको नौसेना कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जमीन पर नेपोलियन से बड़ा कोई सेनापति और नेपोलियन से बड़ा कोई लड़ाकू पूरे दुनिया में नहीं था उस समय, जमीन पर, यानी कि जब थल सेना की हम बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, चलिए ठीक है। हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट कहां है? तो गल्फ ऑफ हडसन एंड अटलांटिक ओशियन। और फिर से अटलांटिक ओशियन आ गया, तो हडसन कहां होगा? तो कहीं ना कहीं अमेरिका, अमेरिका का कहानी चल रहा है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में। देखो यहां पे हडसन बे कनाडा में का सबसे बड़ा बे है, आप जानते हैं। चलिए जिब्राल्टर बे, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर को मेडिटेरियन सी का की कहा जाता है, भूमध्य सागर का की कहा जाता है जिब्राल्टर। और इस जिब्राल्टर से हमें याद आता है नीचे मोरक्को, ऊपर स्पेन, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। देख लीजिए किसके किसके बीच में होगा, तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम ले सकते थे कि ऊपर में किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से स्पेन है। चलो एग्जांपल मैं बताता हूँ जिब्राल्टर के बारे में, थोड़ा सा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इस वजह से मैं जिब्राल्टर के बारे में बताता हूँ। ये स्पेन है, ठीक है, और स्पेन के ठीक बगल में पुर्तगाल है, छोटा सा इसी तरीके से है पुर्तगाल, और यहां है मोरक्को, ये इस तरीके से मोरक्को है। और आप जानते हैं कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है और ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो यहां पे ये मोरक्को है और यहीं पे एटलस भी आप जानते हैं मोरक्को है, और यहीं पे क्या है? एटलस, क्या है? एटलस पर्वत है, ये बात हमने आपको बताया। तो ये जो पॉइंट है ये, इसी को जिब्राल्टर संधि कहते हैं, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी है जिसको भूमध्य सागर कहते हैं, भूमध्य सागर, और ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, और इसको जोड़ने वाला ये क्या है? जिब्राल्टर है, ये क्या है? जिब्राल्टर है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया जिब्राल्टर, अब हम बात करते हैं टार्टार स्ट्रेट। टार्टार स्ट्रेट कहाँ है? जापान सी और ओकोटस्क सी। जापान और ओकोटस्क की जब बात आ गई तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रसिया और जापान, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था रसिया या जापान, रसिया एंड जापान लोकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए फॉर्मोसा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है फॉर्मोसा के बारे में, समोसा, फॉर्मोसा, जो भी आप समझ लीजिए। साउथ चाइना सी एंड चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड चाइना सी, यानी कि चाइना सी ही है। अब साउथ चाइना सी जो दक्षिण में यहाँ पे क्या बोलते हैं हिंद महासागर तक फैला हुआ है, साउथ चाइना सी, और ऊपर में चाइना सी, कहाँ है लोकेशन? चाइना और ताइवान के बीच में। ताइवान को चाइना देश नहीं मानता है, ताइवान को चाइना कहता है तुम हमारे हो, और ताइवान कहता नहीं हम तुम्हारे नहीं है। चाइना जबरदस्ती कहता है तुम हमारे हो, ताइवान कहता नहीं हम तुम्हारे नहीं है, हम अकेले हैं, ठीक है। लेकिन चाइना ऐसा मान नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं ताइवान कब तक नहीं मानता है, नहीं मानेगा मेरे को पता है, नहीं मानेगा, ठीक है। तो चाइना ताइवान के बीच में हमेशा द्वंद्व रहा है फॉर्मोसा द्वीप, फॉर्मोसा सॉरी स्ट्रेट, फॉर्मोसा द्वीप। दरअसल ताइवान का पुराना नाम ही फॉर्मोसा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्मोसा द्वीप कहा जाता था ताइवान को, ताइवान का पुराना नाम ही क्या है? फॉर्मोसा है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट ताइवान चाइना के बीच में है, ठीक है ना। जब भी आप मैप देखेंगे तो चाइना के ईस्ट में, पूर्व में, मैं आपको अगर दिखा दूं यहाँ पे,
तो अगर मैं मान लूं कि ये चाइना है, अगर मैं मान लूं कि ये चाइना है, ठीक है, ऐसे करके अगर ये चाइना है तो यहां पे ताइवान है इतना छोटा सा। अब आप समझिए, इतना बड़ा चाइना जो दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा देश है क्षेत्रफल में, है ना, पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, इतना बड़ा चाइना है और इतना छोटा ताइवान है। चाइना कहता है तुम मेरे हो, मान लो। ताइवान कहता है नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे है ही नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है। चाइना कहता है तुम इंडिपेंडेंट कहो, तुम तो मेरे हो, कोई दुनिया में तुमको मान्यता दिया है? तो ये बोलता है हाँ, कभी कभी कोई हमको फोन कर लेता है, जैसे कि जब ट्रंप बने थे राष्ट्रपति तो ताइवान को फोन किया था। ताइवान को फोन करते ही चाइना का कान खड़ा हो गया, ये क्या करने वाला है, अमेरिका का राष्ट्रपति ताइवान को फोन करता है। तो कभी कभी ताइवान को लगता है कि कोई हमारे सपोर्ट में भी है, लेकिन ताइवान मिला जुला करके अभी अकेला ही पड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना उसके पीछे पड़ा हुआ बड़े तरीके से। और यही फॉर्मोसा स्ट्रेट है, यहाँ पे चाइना सी है और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, और यहाँ पे साउथ चाइना सी के पास ही क्या फिलीपीन है, फिलीपीन, फिलीपीन नाम सुना है ना, फिलीपीन, फिलीपीन है यहीं पे, ठीक है, साउथ चाइना सी है। और ये ताइवान है जिसको फॉर्मोसा भी कहा जाता था, पहले फॉर्मोसा आइलैंड कहा जाता था, ठीक है। और भी अगर हिस्ट्री में चलेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात हम लोगों ने कर लिया किसके बारे में, स्ट्रेट के बारे में। तो स्ट्रेट के लोकेशन मैंने मैप पे बना के दिखाया है, आप ओरिजिनली मैप पे जाके ढूंढिए, और वहां पर जब आप जाके ढूंढेंगे तो मैप के साथ आपकी दोस्ती होगी, मैप आपको अपना नजर आने लगेगा, और फिर आपको लगेगा कि ये यहां यहां सब हमारा अपना है, और एक आप मैप के साथ खेलना शुरू करेंगे, आपके दिमाग में पूरा मैप बैठ जाएगा, और एक बार दिमाग में मैप बैठ जाएगा तो ज्योग्राफी आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना आसान टीचर्स के लिए हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स कहीं ना कहीं उस पूरे प्रक्रिया से गुजर करके तब निकलते हैं, ठीक है, या फिर जिनका सिलेक्शन होता है, या फिर जो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा माहिर हाई स्कूल होते हैं। तो आप मैप के साथ जरूर बने रहिए, बिना मैप के ज्योग्राफी आप नहीं कर सकते हैं, शर्त है। और अगर कोई बिना मैप के ज्योग्राफी कर रहा है, या कि बिना मैप के कोई ज्योग्राफी आपको करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको चीट कर रहा है, आपको ठग रहा है, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी तो हो ही नहीं सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। चलो, थैंक यू वेरी मच, इसको मैप पे देखिएगा, फिर अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे, अगले बार हम मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक से। थैंक यू।